वेलकम बैक टू कैम फैक्ट एजुकेशन। सो इन टूडे चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द आईआईटी जेम लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर। तो देखो, अब तक की बात करें तो अब तक हमने 2018 से लेकर 2011 तक हमने क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लिया है जो रिएक्शन मैकेनिज्म और अपने पेरिसाइक्लिक बेस थे। अब हम बात करेंगे 2010 से लेकर 2005 तक, ठीक है। तो जो आज का चैप्टर है वो ये है। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। तो हमें 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है और उसमें पूछ रखा है कि अपने पास ये अपने पास कैम रिएक्टेंट है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो हमें पता है कि जैसे ही अपने पास यदि साइक्लोहेक्सेन टाइप अपने पास कोई रिएक्टेंट आता है तो हम उसको क्या करते हैं, चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। और चेयर फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया। अब देखो, हमें जो CH3 था वो हमें डाउन दे रखा था, ठीक है, मतलब बोल सकते थे हम डैश दे रखा था। डैश का मतलब हो गया डाउन दे रखा है, तो डाउन में मैंने CH3 को इधर लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे पास जो BR था वो मेरे को अप दे रखा था, तो मैंने BR को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने BR को लिखा। अब मेरे पास जो हाइड्रोजन थे, जो यहाँ पे BR के पास जो हाइड्रोजन था वो इधर था मेरे पास। अब हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे डी की देखूँ तो डी भी अपने पास नीचे है, मतलब इन दोनों की स्टीरियो सेम थी तो मैंने डी को भी नीचे रख दिया। वह हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे अप रखा। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो BR है वो क्या है, मेरे पास एज ए लिविंग ग्रुप है और एज ए लिविंग ग्रुप हुआ तो अपने पास क्या हो गया, मतलब जो इसका एंटीबॉन्डिंग होगा वो इधर लाई कर रहा होगा। और इस एंटीबॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, जो यहाँ पे इसके यहाँ पे एंटी रहेगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब जो बेस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब मेरे पास यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी मेरे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो मतलब बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर मेरे पास दोनों ही हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पे। तो यदि मैं ऑप्शंस को देखूँ, ऑप्शंस में मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ये आंसर नहीं हो सकता। बी की बात करें तो वो भी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, और डी में भी अपने पास क्या है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो गया, अपना सी राइट आंसर हो गया। यदि ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब हीट अपने पास जो ये वाला है वो क्या प्रोडक्ट देगा। तो देखो, हमें ऐसा सिस्टम देखते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए, हीट भी दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। और पेरिसाइक्लिक में भी यदि मैं नंबरिंग करके देखूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको 1, 2, 3 और यहाँ पे इसको 1, 2, 3 दे सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब मेरे पास 3, 3 सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन होने वाली है। और 3, 3 सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन होते ही हमें पता है कि अपने पास क्या हो, 1 और 1 के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और 3 और 3 के बीच में क्या होता है, अपने पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ऐसे ही बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 में अपने पास पहले पाई बॉन्ड रहता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अपने पास जो 1 और 2 है उस पर क्या रहता है, सिग्मा रहता है, और वो क्या हो जाता है, पाई में चेंज हो जाता है। ये हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद में देखो क्या है, ये हम इसको यदि वापस से रीड्रॉ करें, यहाँ पे अपने पास देखो ये क्या दे रखा है, मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, हमें ऑक्सीजन यहाँ पे ही है। अब मेरे पास 3, 3 यहाँ पे, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। यदि मैं देखा जाए तो मेरे पास देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, यहाँ से मेरे पास डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे मेरा पास 3 था और ये वाला मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और मेरे पास यहाँ पे क्या था, मेरे पास यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, मेरे पास कुछ ऐसा हो गया। यदि मैं इसको किसके करस्पॉन्डिंग लिख सकता हूँ, इसे वेरी सिमिलर टू दिस वन, यहाँ पे CHO है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको यदि मैच करूँ तो ये किससे मैच हो रहा है, मेरा देखा जाए तो ये C से मैच हो रहा है। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो गया, C राइट आंसर हो गया, ठीक। यदि ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास AlCl3 दे रखा है, H3O+ दे रखा है और बोला है इन दोनों की रिएक्शन कैसे होगी। तो देखा जाए तो जो AlCl3 है वो एज ए चिलेट करेगा, मतलब बोल सकता हूँ ये चिलेटिंग की तरह एक्टिवेशन, मतलब बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक तरह से, तो ये एक्टिवेट करेगा। तो अपने पास जो यहाँ पे बेंजीन रिंग है वो क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के पास है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इसने अटैक किया, यहाँ पे क्या करेगा, जो AlCl3 है वो यहाँ से चिलेट कर रहा होगा, जो AlCl3 है वो यहाँ से चिलेट कर रहा होगा। और चिलेट क्यों कर रहा होगा वो भी हम दिखा देंगे कि अभी बाद में चिलेट क्यों कर रहा होगा। तो देखो, यहाँ पे पहले उसने अटैक किया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले स्टेप में देखा जाए तो पॉजिटिव यहाँ पे हो गया यहाँ पे, और मेरे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओ मेरा इधर था,
और मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास चिलेट कर रहा है, AlCl3 चिलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जैसे ही ये नेगेटिव इधर मूव करा, तो ये AlCl3 क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा यहाँ पे, यहाँ एज ए लिविंग ग्रुप निकलने के लिए, एज ए लिविंग ग्रुप निकलने के लिए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो देखो पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, पहली स्टेप की बात करूँ मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ हो गया मेरे पास, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ये हो गया ओ ओ AlCl3 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला क्या होगा, जो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इधर मूव करके यहाँ पे पहले इसको एरोमेटिक बना देगा, एरोमेटिक बना देगा, और मेरे पास वाटर दे रखा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप में मेरे पास ये हो गया। अब मेरे को पता है ZnHg और कॉन्क HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, जो मेरा पास कीटोन है वो किसमें CH2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है, तो मेरे पास यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg यहाँ पे ये मेरे पास ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मेरे को दे रखा है H3PO4 दे रखा है, तो H3PO4 की यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये मेरे पास यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो ये वाला यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसको इधर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने ऐसे जैसे ही इसने यहाँ पे इधर मूव किया, तो देखो मेरे पास यहाँ पे तो बेंजीन रिंग है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ था, मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे पी ओ माइनस फॉर्म किया, यहाँ पे मेरे पास ओ एच था, मेरे पास यहाँ पे एक ओ एच है, और मेरे पास एक यहाँ पे ओ एच है, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या होगा, जो ये वापस जो बेंजीन रिंग है, जो ये वाली बेंजीन रिंग है, वो मेरे पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल है एक तरह से बोल सकता हूँ, और जो ये वाला है वो क्या हो गया मेरे पास, अब एज ए लिविंग ग्रुप हो गया, क्या हो गया मेरे पास, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे इस बेंजीन रिंग ने यहाँ पे अटैक किया, जो यहाँ पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। यदि हम यहाँ पे दूसरा यूज में ले कलर, तो बोल सकते हैं कि देखो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ था, यहाँ पे यदि इसको ओपन करके लिखे हम, तो यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक। यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे ओ पी ओ माइनस है, ओ एच है, मेरे पास ओ एच है, यहाँ पे ओ एच है, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे अटैक हो गया, जैसे ही यहाँ पे अटैक हुआ मेरे पास, तो देखो मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, देखते हैं हम यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे ये यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे ओ माइनस हो गया, ठीक है। और मेरे पास ओ पी था, यहाँ पे ओ माइनस था, यहाँ पे ओ एच इधर था, मेरे पास ओ एच इधर था, और ओ एच इधर था, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो जैसे ये इधर मूव करा, तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको निकाल दिया, एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा ये। तो जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकला, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखा जाए तो अपने पास ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो गया, यहाँ मेरे पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास क्या निकलेगा, ये मेरे पास बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे निकल सकता है, ये H3PO5 निकलेगा, और यहाँ पे दो, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे, दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एट द एंड क्या करेंगे, ये क्या करेंगे दोनों ही, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, यहाँ पे एसिड है, मतलब बोल सकते हैं H3O+ भी है अपने पास रिएक्शन मिक्सर में, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे H5PO5 फॉर्म करेंगे, और उसमें से मेरे पास क्या होगा, वाटर निकल के या क्या होगा, H3PO4, यहाँ पे H3PO4 वापस फॉर्म कर देंगे, और जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ का हाइड्रोजन है, वो मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एट द एंड एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। एसिडिक क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही वो हाइड्रोजन निकल रहा है मेरा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है, तो ये अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन था, तो ये अपने पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ये फॉर्म हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखा जाए तो वो हमें बोल रखा है कि जो एच और आई फॉर्म हो रहा है उनको हमें पहचानना है, ठीक। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक ये दे रखा है, NH3 दे रखा है, यदि मैं इन दोनों की बात करूँ, तो मैं मैनिक रिएक्शन लगा सकता हूँ क्या इनके बीच में, मैं मैनिक रिएक्शन नहीं लगा सकता इनके बीच में, उसका रीजन ये है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे एल्डिहाइड और हमें एमीन देखते हैं, हम क्या बोलते हैं कि मैनिक रिएक्शन लगा दे, लेकिन मेरे पास जो पीएच है, क्योंकि यदि मैं पीएच को लिखूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि पीएच को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पीएच को मैंने कुछ ऐसा लिखा, यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे एच है, अब मेरे पास यहाँ पे NH3 है, ठीक है, यहाँ पे NH3 है। पहली बात हम बोलते थे भाई सेकेंडरी एमीन होना चाहिए अपने पास, लेकिन हमें क्या एट द एंड H2O निकालना रहता है, एट द एंड क्या निकालना रहता है, H2O निकालना रहता है, तो मैं बोलूँ कि H2 इसके निकल जाए, ऑक्सीजन इसका निकल जाए, तो लेकिन बात यह है ना कि जो ये यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रीजन है कि अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
मतलब ये क्या है, इसकी यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं फॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पे बोल सकता हूँ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम नहीं करेगा। पहली बात तो ये क्या, अपने पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा। अब उसको देखो यहाँ पे यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर दो अपने पास फिर से दो पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी मैनिक की थी कि वे एल्डिहाइड, जैसे हमने एल्डिहाइड और एनएच3 देखा, हमने मैनिक की बात कर ली, लेकिन अपने पास मैनिक नहीं हो रही यहाँ पे। अब अपने पास 2 मोल तो इसके दे रखे हैं अपने पास, और 1 मोल इसका दे रखा है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो देखो यहाँ पे, देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इधर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर ड्रॉ किया हमने, ओ सी टू एच फाइव के लिया, और यहाँ पे पी एच हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच हो गया अपने पास, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया। तो अब देखो, अब बात करें हम अपने पास की रिएक्शन कहाँ होगी, अपने पास कहाँ रिएक्शन होगी, पहले इसका 1 मोल आएगा, पहले वन इसका 1 मोल आएगा अपने पास, और यहाँ पे कहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे इसके पास डोनेट करेगा, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन जो बेस है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, और यहाँ पे क्या करेगा ये, यहाँ पे ये क्या होगा अपने पास, इनोलेट फॉर्म कर लेगा अपने पास, यहाँ पे ओ माइनस फॉर्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव इधर रहा मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन होगा वो इधर मूव करेगा, यहाँ पे इस पे डोने इस पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो मेरे पास जो पहले पहले स्टेप है उसमें मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे सी टू एच फाइव हो गया मेरे पास यहाँ पे, और बोल सकता हूँ मेरे पास ओ माइनस है यहाँ पे, और मेरे पास पी एच यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास जो ये हाइड्रोजन है अभी भी ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे डालूंगे, जैसे इसने क्या किया, NH3+ ने, NH3 ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन अपसेट किया, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या जाएगा, अपने पास NH3 NH4+ फॉर्म हो गया था, और NH4+ फॉर्म हुआ तो ये क्या करेगा, NH3 एज निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, और यहाँ पे एट द एंड अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन OH ग्रुप लग जाएगा, मतलब OH हो जाएगा। और हमें पता है कि फिर उसके बाद में क्या होगा, ये बेस वापस आएगा, ये बेस वापस आएगा, इसको यहाँ से अपसेट करेगा, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, और जैसे ही BH यहाँ पे फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करके यहाँ पे एज ए वाटर निकल जाएगा, और अपने पास जो देखा जाए तो फाइनल यहाँ पे पहली स्टेप में अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, वन इक्विलेंट के साथ, अपने पास वन इक्विलेंट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे PH हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास ये वाला फॉर्म हो गया। अब मेरे पास दो कंडीशन है, फिर से मेरे पास दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो NH3 है, वो क्या करे, इसके साथ अपने पास मैनिक रिएक्शन दे दे, इसके पास मैनिक रिएक्शन दे दे। तो जैसे ही यहाँ पे ये मैनिक रिएक्शन देगा तो देखो अपने पास यहाँ पे, अब तो अपने पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं कि अपने पास ये इस पे अटैक ना कर सके, तो पहले क्या करेगा यहाँ पे, ये इसके साथ अपने पास बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे NH2 फॉर्म कर देगा। हमें पता है कि ये NH2 कैसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यदि हम यहाँ पे इसको बार बार में वापस रिवाइज नहीं करेंगे, यदि हमें किसी को जानना है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो NH2 है वो यहाँ पे अटैक करेगा। NH2 ने अटैक किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे O माइनस फॉर्म हुआ, और मैं बोल सकता हूँ NH3 यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म हो गया मेरे पास, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सी टू एच फाइव था, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड और PH है, डबल बॉन्ड और PH है, यहाँ से जो C NH3 था यहाँ का NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा, फिर से एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और जहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन के इधर यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो एट द एंड मेरा ये हो गया, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे PH है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखा जाए मेरे पास, तो ये वाला जो मेरे पास सेंटर है, जो ये वाला मेरे पास जो सेंटर है वो मैं बोल सकता हूँ 1,4 यहाँ पे क्या है, 1,4 एडिशन के लिए तैयार है मेरे पास, 1,4 एडिशन के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने पास माइकल एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। और मेरे पास जो दूसरा मोल है, जो मेरे पास दूसरा मोल है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे बोल सकता हूँ ओ सी टू एच फाइव है मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, फिर से मेरे पास बेस आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा ये इनोलेट फॉर्म कर देगा, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करेगा मेरे पास इनोलेट फॉर्म कर देगा, इनोलेट फॉर्म किया तो ये यहाँ पे यहाँ से मूव करेगा, और यहाँ पे ये 1,4 की तरह यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा ये अटैक किया। अब देखो मेरे पास जैसे ही अटैक हुआ तो मेरे पास देखो, मैं वापस यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे कुछ ऐसा था मेरे पास, देखो यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी था मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास बोल सकता हूँ मेरे पास क्या था, यहाँ पे PH था, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, और बोल रहा था कि ये वाला यहाँ पे अटैक कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, और मेरे पास यहाँ पे NH2 फॉर्म हो रहा था, ठीक है, मेरे पास क्या हो रहा था NH2 फॉर्म हो रहा था, तो मैंने NH2 यहाँ पे लिखा, यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ई टी फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे मेरे पास क्या था PH था मेरे पास, यहाँ पे ये कार्बन था, इस कार्बन से मेरे पास देखो क्या क्या अटैच है, इस कार्बन से मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी अटैच है मेरे पास, और यहाँ पे क्या अटैच है मेरे पास, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे CH3 है,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 है। अब देखो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मेरे पास क्या है, जो NH2 ग्रुप है वो AGN न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, AGN न्यूक्लियोफाइल काम करेगा मेरे पास। और ऐसे ही जैसे ही इसने AGN न्यूक्लियोफाइल काम किया तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये यहाँ पे पाथ वन बोल दूँ इसको मैं, पाथ वन बोल दूँ या सेंटर वन बोल दूँ, और एक यहाँ पे मेरे पास ये है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये OET क्या कर रहा होगा, जो OET है वो क्या कर रहा होगा मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि OET क्या करेगा यहाँ पे लोन पे इसके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये वाला जो सेंटर है वो क्या हो गया मेरे पास, मोर, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जो जैसे ही जो ये NH2 है, NH2 क्या करेगा यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, और इससे जैसे ही इसने यहाँ अटैक किया तो देख सकते हैं अपने पास कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब किसी किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये नाइट्रोजन के लोन पे इधर पार्टिसिपेट करके और ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे डोनेट कर दे। तो देखो यहाँ से यदि मैं देखू कि कितने मेंबर की रिंग फॉर्म है, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 मेंबर की रिंग हो रही है, और 4 मेंबर की रिंग कभी फॉर्म होती नहीं है, तो अपने पास 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है। अपने पास कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, अपने पास 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, और 6 मेंबर की रिंग को हम ऐसे देख सकते हैं कैसे अपने पास यहाँ पे देखो, यदि हम नंबरिंग कर रखी है हमने, तो मेरे पास जो NH2 था मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, और ये किस पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पे ये 6 पे अटैक कर रहा है, और 6 पे मेरे पास O- फॉर्म हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे CH3 था, ठीक है। और मेरे पास फिफ्थ की बात करूँ तो मेरे पास C(OOH) है मेरे पास, और 4 पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे PH है मेरे पास, और यहाँ पे 2 पे C(OOH) है मेरे पास, और जो अपने पास ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, अपने पास ये 2 हो गया साइड, नहीं ये 3 हो गया अपने पास, और यहाँ पे ये 2 पे अपने पास CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक। अब देखो क्या होगा, NH2+ था तो यहाँ से जो हाइड्रोजन था, जो यहाँ पे जो NH2+ का हाइड्रोजन था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो इसको OH फॉर्म कर देगा, यहाँ पे OH फॉर्म कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा और ये NH फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NH फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि मेरे पास क्या है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मेरे पास जैसे ही वो बेस आया वापस यहाँ पे, ये बेस आ जाएगा, और बेस आया तो ये यहाँ पे इधर मूव करेगा और इसको निकाल देगा, तो ये भी यहाँ पे ये भी न्यूट्रल निकलेगा, क्योंकि जो बेस ने BH फॉर्म किया है उससे हाइड्रोजन लेकर ये और वाटर निकल जाएगा अपने पास। तो देखा जाए अपने पास तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ये मेरे पास N था यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास CH3 है मेरे पास, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये C(OOH) है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास CH3 है, और यहाँ पे मेरे पास C(OOH) है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, PH है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, PH है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पहला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जो हमें यहाँ पे NH3 की प्रेजेंस में H की बात कर रहा है, वो H की बात कर रहा है, वो वाला मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और शायद मे बी आई थिंक ये गेट में भी पूछा गया है, शायद 18 या 19 में पूछा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म हुआ और HNO3 ऑक्सीडेशन दे रखा है, और HNO3 ऑक्सीडेशन क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन रहेगा, जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेगा इसको यहाँ से निकाल के ये क्या करेगा, इसको एरोमेटिक फॉर्म कर देगा। तो देखा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, यदि फाइनल में प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ लिखूँ तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन रहेगा, और मेरे पास यहाँ पे C(OOH) रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ मेरे पास PH रहेगा, यहाँ पे भी मेरे पास C(OOH), और यहाँ पे मेरे पास CH3 रहेगा। यहाँ ये कब होगा, जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं इसको, यहाँ पे HNO3 और ऑक्सीडेशन कर दूंगा मैं, ऑक्सीडेशन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज थी, पहले मेनिक में हमें डिसाइड करना था कि पहले मेनिक कौन सी जाएगी, फिर बाद में यहाँ पे जब ये वाला फॉर्म हुआ अपने पास तो हमें ये से डिसाइड करना था कि भाई कौन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक नहीं करके यहाँ पे इस पे अटैक किया, उसका रीजन हमने देख ही लिया कि क्यों अटैक किया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 41 में पूछ रखा है कि JKL इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है और इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑल। तो देखो ये अपने पास ये क्वेश्चन हमने गलत ले लिया, आई थिंक ये अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ये क्या रहा है, टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यदि हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें मान लो कि H2SO4 SO3 की प्रेजेंस में J क्या फॉर्म होगा, HNO3 की प्रेजेंस में K क्या होगा, फिर हीट और न्यूट्रलाइजेशन के बाद में अपने पास L क्या होगा, ठीक है। यदि हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म अपने पास कैसे फॉर्म होने वाली है, अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो देखो पहला केस अपने पास क्या है, NH2 और COCH3 अपने पास, ये क्या होता है, जो ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उसका रीजन हमें पता है कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, यहाँ पे डोनेट करता है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो पहले H2SO4 SO3, यहाँ पे ये क्या होगा SO3, यहाँ पे क्या होगा SO3, यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे H2SO4 SO3 में। अब ये क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये क्या करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब यदि ऑर्थो और पैरा में से डिसाइड करें तो ये पहले क्या देगा, पैरा देगा, उसका रीजन ये है कि अपने पास ये वाला क्या है, बिग ग्रुप है, ये क्या है अपने पास बिग ग्रुप है, और बिग ग्रुप होगा तो यदि मैं यहाँ पे SO3 SB, यहाँ पे देखो H+ निकलने के बाद में मेरे पास एट द एंड ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा CO3 SO3 H, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रहेगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक रहेगा, तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये वाला फॉर्म नहीं होके मेरे पास क्या होगा, कौन सा वाला फॉर्म होगा, मेरे पास पैरा वाला ज्यादा फॉर्म होगा NHCO3 COCH3, और मेरे पास बोल सकता हूँ SO3H, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया मेरे पास, पहले केस में मेरे पास ये वाला कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास जे फॉर्म हो गया। अब मेरे को बोल रखा है कि एक्सिस ऑफ HNO3 दे रखा है, एक्सिस ऑफ HNO3 दे रखा है, तो देखो यदि मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो गया मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास मेटा डायरेक्टिंग हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो देखो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे NO3 लग जाएगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, सॉरी NO2 लग जाएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा HNO3 + H2SO4 क्या दे देगा, नाइट्रेनियम आयन देंगे, नाइट्रेनियम आयन NO2 हो गया, यहाँ पे COCH3 हो गया, यहाँ पे SO3H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये SO3H हो गया, तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे आगे बात करें, यदि आगे ही बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बोलते हैं, कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होता है कि अपने पास यहाँ पे क्या सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन हो जाता है अपने पास, ये डिसल्फोनेशन, जैसे ही डिसल्फोनेशन हुआ अपने पास तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब बोल सकता हूँ कि यदि यहाँ पे डिसल्फोनेशन हुआ, डिसल्फोनेशन हुआ तो SO3H भी निकल जाएगा, पहले कंडीशन में बोलता हूँ मेरे पास SO3H निकल जाएगा, यहाँ पे NO2 यहाँ पे है मेरे पास, और यहाँ पे से ये निकल गया, और NHC OCH3 है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को वाटर दे रखा है, मेरे को क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है H2O, बोल दूं मैं यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये वापस मूव किया, और यहाँ पे इसको ऐसे निकाल देगा, बोल सकता हूँ कि मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे NH2 फॉर्म हो जाएगा एट द एंड, और यहाँ पे मेरे पास NO2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड न्यूट्रलाइजेशन के बाद में ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यदि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखी जाए तो ये होगा, ठीक है। अब हम टेस्ट वेस्ट की बात जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें पूछ रखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एम एंड एन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी की बात होगी यहाँ पे देखा जाए तो देखो पहले केस में देखा जाए अपने पास तो HgSO4 क्या करता है, अपने पास जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो अपने पास जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें ये क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, अपने पास क्या बाइंड कर जाता है, देखो कैसे करता है, पहले तो हम यही पता लगा लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ये बाइंड कर जाता है अपने पास, देखो एम ई यहाँ पे अपने पास सी डबल बॉन्ड मेरे पास इधर है, ठीक है, और ये क्या हो गया CH2 है यहाँ पे, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है यहाँ पे एच है, तो जो एच जी है वो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे चिलेट कर रहा होता है HG2+, और ये बॉन्ड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, एज ए यहाँ पे रोटेट बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इसने अटैक किया, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एच जी पे इसने अटैक कर दिया, ठीक। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी, H2SO4 और यहाँ पे HgSO4 और दे रखा है अपने पास यहाँ पे, और डायल्यूट दे रखा है, मतलब यहाँ पे वाटर दे रखा है मेरे पास, वहाँ पे मतलब एक्वस दे रखा है, डायल्यूट दे रखा है, तो वाटर है। अब वाटर या तो देखो यहाँ से अटैक कर दे मेरे पास, या फिर मेरे पास यहाँ से अटैक कर दे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे डोनेट करा रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे निकाल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा मेरे पास, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखो ये HG2+ निकल गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, तो HG2+ की केस में, HG2+ की केस में मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे ये इनसाइड, मतलब बोलता हूँ कि मेरे पास इनसाइड है ना कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन तो मतलब बोल सकता हूँ पूरा तो फुल्ली कार्बोकेटाइन तो फॉर्म नहीं होता मेरे पास वो यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे देखा जाए तो जो HG2+ है वो क्या होता है टर्मिनल अपने पास HG2+ ओपन होता है, क्या होता है टर्मिनल HG2+ ओपन होता है, और जो इनसाइड क्या होता है अपने पास यहाँ पे अटैक होता है, इनसाइड अटैक होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे CH3 ग्रुप है,
यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH2 है मेरे पास, यहाँ पे C है, यहाँ पे OH ने अटैक किया मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये C हाइड्रोजन था और HG+ था, यहाँ पे HG+ था यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक है। अब मेरे पास एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे जो ये है HG+ है वो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, मतलब यहाँ रिमूव हो जाएगा ये यहाँ से, जैसे यहाँ से ये रिमूव हुआ अपने पास, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। ये हमने इसकी मैकेनिज्म की बात की थी हमने सब, जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का शायद थर्ड या फोर्थ चैप्टर की बात चैप्टर देखा था, उसमें हमने इसकी बात की थी, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास कीटोइनॉल फॉर्म हो गया, मेरे पास ये क्या हो गया कीटोइनॉल फॉर्म हो गया, और कीटोइनॉल फॉर्म देखा जाए तो मेरे पास ये क्या हो गया कि मेरे पास सी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे मेरे पास CH3 हो गया, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3 है, ठीक है। अब मेरे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, दो क्या बोल सकता हूँ, तीन पॉसिबिलिटी है कि NaOH, ETOH है और हीट दे रखा है। तो मेरे पास एक तो ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट हो सकता है, मतलब बोल सकता हूँ कि बेस की प्रेजेंस में ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट हो सकता है, एक ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट हो सकता है, और एक ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट हो सकता है, ठीक है। यदि मैं इन तीनों की पॉसिबिलिटीज की बात करूं, मैं तीनों की पॉसिबिलिटीज की बात करूं मैं, तो देखो मेरे पास यदि यहां से देखा जाए, यदि मैं इसको हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, 1, 2 और 3, तो मेरे पास 3 मेंबर की रिंग तो कभी फॉर्म होती नहीं है। यदि मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ, इस हाइड्रोजन की बात करूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे पास पॉसिबल है। यदि इसकी बात करूँ तो मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, मेरे पास ये भी पॉसिबल है। तो यदि मैं इसका जो ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट करता हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके अंदर जो ये वाला ग्रुप है, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, तो जो ये वाला ग्रुप है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ब्रिज में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ब्रिज में चला जाएगा। तो ब्रिज में चला जाएगा तो ब्रिज प्रोडक्ट अपने पास फॉर्म नहीं होता, आप बना के देख लेना चाहिए। यहाँ से जो ये हाइड्रोजन यदि मैं निकालूंगा तो मेरे पास ब्रिज हेड, मतलब बोल सकता हूँ कि ब्रिज में अपने पास ये CO ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो हाइड्रोजन अपस्टेट होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट होगा, ठीक। तो यहाँ से यदि मैंने हाइड्रोजन अपस्टेट किया तो मेरे पास इनोलेट कहाँ फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है ये C, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O हो गया। अब ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा, इधर ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जैसे इधर मूव किया इसने तो मेरे पास देखो फाइनल क्या हो गया, यहाँ पे CH3 था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये था, और बोलता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया मेरे पास, और यहाँ पे ये कार्बन था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये O- था, ठीक है, ये O- था यहाँ पे, ठीक, O- फॉर्म हो गया। अब देखो फिर से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ पे देखा जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सी, यहाँ पे OH, पहले OH फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया, CH3 मेरे पास इधर है, यहाँ पे ये है मेरे पास, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे OH फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ तो ये वाला, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इधर मूव करेगा और ये इसको निकाल देगा, ठीक है, ये इसको निकाल देगा। तो देखो मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया CH3 है, यहाँ पे ये अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग थी अपने पास, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन छोड़ के सी डबल बॉन्ड ओ था, और ये मेरे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, अपने पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे अपने को देखना क्या था, क्या नहीं देखना था, हमारे पास ये देखना था कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही थी, कितने मेंबर की नहीं हो रही थी, हमें OH किधर से फॉर्म करना था और किधर से हमें OH फॉर्म नहीं करना था, ठीक, ये हमें बात ध्यान रखनी थी इसके अंदर। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोला जाए तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो रिएजेंट की बात चलेगी, जो जेबी सर ने जो रिएजेंट पढ़ा रखे हैं उनकी बात चलेगी यहाँ पे। तो देखो मेरे पास जो यहाँ पे दे रखा है, ये रिएजेंट दे रखा है, ये रिएक्टेंट दे रखा है, और ये रिएजेंट दे रखा है। ये रिएजेंट देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि भाई ये MeMgBr है, तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो pH है, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, और ये एसिडिक, ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है मेरे पास, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे MeMgBr की केस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म कर जाता है। हमें पता है कि हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे ये अटैक करने से के बजाय ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा, यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा। देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रहता है अपने पास, तो यहाँ पे ये हार्ड सेंटर रहता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैक करता है Me, लेकिन यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और R ले लूँ यहाँ पे, और बोलूँ कि MeMgBr डाला, तो ये हाइड्रोजन इसको निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिड का हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसको निकाल लेता है और यहाँ पे भी इसको निकालेगा। तो मेरे पास पहले कंडीशन में मेरे पास ये यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि क्या फॉर्म होगा। अब जैसे ही नेगेटिव फॉर्म हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करा तो बीआर को निकाल देगा, और बीआर को निकाल दिया तो मेरे पास जो पहली पहली रिएक्शन है तो उसमें मेरे पास क्या होगा, CH2 यहाँ पे रह गया, मेरे पास CH2 रह गया, यहाँ पे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 रह गया। अब किसी किसी के दिमाग आया होगा कि सर ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करा, तो देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब बोल सकता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा इन द सेंस मतलब बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहा होगा, और उसका रीजन ये है कि ये क्या कर रहा होगा, मतलब बोलते हैं कि जो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इधर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम हो गया, तो यहाँ पे पहले किस में डोनेट करेगा अपने पास, सिग्मा स्टार सी बी आर में डोनेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी अपने पास क्या है, हाई रह जाएगी। तो यहाँ पे पहले पहली रिएक्शन की बात करें तो पहले में अपने पास जो पी है, तो यहाँ पे पी है वो क्या क्या फॉर्म हो रहा होगा अपने पास, यहाँ पे पी ये वाला फॉर्म हो गया होगा अपने पास, ये वाला अपने पास क्या है, पी है। अब देखो पी डी बी एस ओ फोर दे रखा है और यहाँ पे एच टू दे रखा है, तो हमें पता है ये क्या होगा, यहाँ पे ये जेड फॉर्म करता है, यहाँ पे क्या करता है जेड फॉर्म करता है, वो लिंडार रिएजेंट की तरह बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे सी एच टू रह जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पी डी बी एस ओ फोर और एच टू में ये क्या हो जाता है अपने पास, एल्कोहल में चेंज हो जाता है, नहीं सॉरी यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में नहीं है, एल आई एल एच फोर की प्रेजेंस में होता है। तो पहले केस में क्या होता है, ये लिनार रिएजेंट क्या करता है अपने पास ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे क्या करेगा सी डबल बॉन्ड ओ जो अपने यहाँ पे सी एच टू था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा अपने पास, और ओ सी टू एच फाइव रहेगा, और एट द एंड जो एल आई एल एच फोर है अपने पास, एल आई एल एच फोर है वो क्या करेगा अपने पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या करता है अपने पास, जो यहाँ पे जो एस्टर ये है ग्रुप, इनको क्या कर देता है यहाँ पे रिड्यूस करके, यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये गलती से लिखा हमने, ये सी एच टू है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये सी एच टू है, यहाँ पे ये क्या हो गया सी एच टू और ओ एच फॉर्म हो जाएगा। तो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया अपने पास, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो अपने पास पी डी ए बी एस ओ फोर क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, जो एल आई एल एच फोर है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो किसको करेगा अपने पास एस्टर ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस करेगा, ठीक। तो ये हमें ये ध्यान रखना है, रिएजेंट जब जेबीसन ने पढ़ाया होगा तो उनकी सिलेक्टिविटी की बात की होगी। अब ऐसे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अपने पास क्या दे रखा है कि ये वाला दे रखा है और इन द प्रेजेंस ऑफ एनएच दे रखा है। तो जब हमने एस्टर की बात की थी, हमने एस्टर के इनोलेट की बात की थी, तो हमने बोला था कि जो एनएच है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, और हाइड्रोजन अपस्टेट करा कहाँ से करेगा, एक तो इसके पास ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है और एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है, देखा जाए तो दोनों ही अपने पास क्या है सिमिलर है, सिमिलर बोल सकते हैं कि मतलब दोनों की यहाँ पे बोलते हैं वो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे दोनों ही सिमिलर है, मतलब कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन दोनों को, ठीक है, मतलब ये वाला और हाइड्रोजन ये वाला दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो देखो पहली बात करें तो यहाँ पे देखो पहला केस में क्या हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ई टी को मैंने ओपन करके लिखा, यहाँ पे मेरे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ ई टी था मेरे पास कुछ ऐसा था, मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, ये इधर रेजोनेट करेगा और यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पहले देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओ माइनस है मेरे पास, यहाँ पे ओ ई टी है, और मेरे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर डोनेट करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक करके इधर इसको ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। तो मेरे पास देखो कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर की मेरे पास रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो पहला था मतलब फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ है फिफ्थ कार्बन, और पहले कार्बन पे मेरे पास क्या था सी डबल बॉन्ड ओ ई टी था, मेरे पास क्या था सी डबल बॉन्ड ओ ई टी था, और मेरे पास जो यहाँ पे फिफ्थ पे है ओ माइनस है और ओ ई टी है, ठीक है। ओ माइनस मेरे पास क्या होगा, देखो जैसे ही एन एच यहाँ पे अब देखा देखी जाए तो पहले बात आ जाएगी ओ ई टी है अपने पास, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और इधर मूव करने के बाद में क्या होगा मेरे पास ओ ई टी को निकाल देगा, ओ ई टी को निकाल दिया इसने तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे मेरे पास 5 मेंबर की रिंग थी, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी था मेरे पास, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी था, यहाँ पे मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, ये मेरे पास कौन सा हो गया, ये एस है।
अब मेरे को दे रखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट की बात करें H3O+ की, तो H3O+ में मान लो कि H2 है, वो यहाँ पे अटैक करेगा, इधर इसको मूव करेगा और इसको निकाल देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो, मतलब बोल सकते हैं प्रोटोनेट हो जाएगा। देखा जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एसिड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हीट दे रखा है और अल्फा बीटा अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अल्फा बीटा इनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास, तो अपने पास बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, अपने पास यहाँ पे -CO2 निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और डीकार्बोक्सिलेशन होते ही हमें पता है कि क्या फॉर्म हो जाता है अपने पास, ये हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देख रखी थी अच्छे से। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कौन सा हो गया, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया। देखो कुछ नहीं करना है हमें, हमें बस जो अपने को पता है कि अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे मूव करेगी, हमें वैसे ही मूव करना है। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द सजेस्ट सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोल सकते हैं अपने पास, तो देखो इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि अपने पास CHO ग्रुप दे रखा है, अपने पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, OH दे रखा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, देखा जाए तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, कैनिजारो रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, और कैनिजारो रिएक्शन में हमें पता ही है कि अपने पास एक एल्कोहल में फॉर्म होता है और एक एल्डिहाइड फॉर्म होता है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यदि किसी को मैकेनिज्म जानना है तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास देखो कैसे फॉर्म हो रहा होगा, ये सीई डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे मेरे पास सीई डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे ओ एच माइनस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया इसने, यहाँ पे ओ एच यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे था, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मेरा पास यहाँ पे था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये इधर मूव करेगा और ये हाइड्रोजन को यहाँ पे डोनेट कर देगा इसके पास, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को इसने डोनेट कर दिया मेरे पास, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। तो देखो पहले क्या करता है कि ये यहाँ पे डोनेट करने से पहले, मतलब जो ये वापस रिमूव करने से पहले क्या करता है, जो ये बेस है वो ये हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। तो देखो मैं इस यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे ये मूव करा, तो ये वाला तो ऑक्सीजन नेगेटिव तो निकल नहीं सकता अकेला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता और यहाँ पे अटैक करके क्या कर देगा इसको ओ एच में, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या था, यहाँ पे ओ एच था, ठीक है, सी एच ओ था अपने पास, सी एच था यहाँ पे, सी डब्ल्यू एच नहीं था, सी एच ओ था, यहाँ पे भी अपने पास क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन ड्रॉ किया, डोनेट किया इसने, तो अपने पास देखो फाइनल क्या हो गया, अपने पास ये यहाँ था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस फॉर्म हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस फॉर्म हो गया, सी ओ माइनस यहाँ फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लग गए। तो एट द एंड जो अपने पास जो वाटर था, मतलब जो यहाँ से इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ से ये एच ओ एच में से क्या होगा, हाइड्रोजन ले लेगा वापस से, हाइड्रोजन ले लिया इसने, तो अपने पास क्या फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे सी ओ एच हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि पहले इस हाइड्रोजन को भी हमें रिमूव करना है, उसका रीजन ये है कि यदि हमने इसको हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया, तो जैसे ऑक्सीजन वापस आएगा इस ओ एच को ही वापस निकाल देगा, ठीक है, जबकि बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पहले ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है, SNI का अपने पास एग्जाम्पल है। तो देखो यदि किसी ने लेक्चर देखे हो, तो लेक्चर के हिसाब से यदि मैं यहाँ पे यदि ऑप्शंस को एलिमिनेट करूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन तो होता नहीं है, तो एलिमिनेशन वाले को मैं पहले ही यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। ए और बी की बात करूँ, तो मेरे को पता है कि SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 मेरे पास रिटेंशन, मतलब इन्वर्जन नहीं, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यदि मेरे पास किसी में यहाँ पे ये दे रखा है, इन्वर्जन दे रखा है, तो मैं उसको भी कैंसिल कर दूंगा, मतलब बी भी मेरे पास कैंसिल हो गया, मेरे पास राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हमने एलिमिनेट कैसे करा कैसे नहीं करा। तो देखो पहले यहाँ पे मेरे पास CH3 दे रखा था, यहाँ पे C6H13 दे रखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे वेज में दे रखा था, और मेरे पास डैश में क्या दे रखा था, ओ एच दे रखा था। तो ओ एच मेरे पास क्या होगा, जो SOCl2 है मेरे पास, Cl है इधर है, Cl इधर है, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव इधर वापस मूव करेगा, और यहाँ पे ऐसे जैसे इधर मूव करा हो तो यहाँ पे Cl निकाल देगा। देखो मेरे पास पहली स्टेप में देखा जाए, मेरे पास तो CH3 इधर है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन है मेरे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है मेरे पास, यहाँ पे Cl है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, C6H13 है, मेरे पास क्या है, C6H13 है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इनसे इधर से ही वापस क्या है, जैसे जिसका ओरिएंटेशन जिस साइड है उधर से अटैक करेगा, ये
इधर इसको यहाँ पे रिमूव कर देगा, इसको यहाँ से ही रिमूव कर देगा। तो देखो ये प्रोटीनास क्या हो गया, मतलब ये मेरे पास सी एस थ्री, यहाँ पे जैसे इसने रिमूव किया तो मेरे पास यहाँ पे ये सी एल आ गया, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे मेरे पास सी एस थ्री हो गया, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे सी सिक्स एस थर्टीन हो गया मेरे पास, और यहाँ पे SO2 निकल गया। तो ये हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पहले बहुत अच्छे से देखी है, होमोलोमो की डिस्कस किया हमने इसके बारे में, तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो रिटेंशन हो रही है नहीं हो रही, देखो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री अपने पास क्या है, रिटेंशन है, इन्वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, अपने पास ए राइट आंसर हो गया। ऐसे यदि हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करें, तो 24 भी फिर से अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो देखो जो AlCl3 है वो हमने अभी पहले भी देखा था, ये क्या करता है, एज चिलेट करता है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये एक्टिवेट करता है। तो पहले केस में क्या होगा, जो ये वाला ग्रुप है इसमें ये AlCl3 मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये ओ था और AlCl3 था यहाँ पे, और मेरे पास OMe था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब मेरे को पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ इसको ओपन करके लिख देता हूँ, और यहाँ पे ओपन करके लिखा मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला, मेरे पास OMe इधर है, ये OAlCl3 है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक। अब देखो फिर से मेरे पास एक और बात आ गई मेरे पास, कि एक तो मेरे पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज है इधर, ठीक, और मैं बोल दूं कि यदि मैं इसको मूव यहाँ पे, इसको क्या बोल दूं मैं कि यहाँ पे ये क्या करेगा, रेजोनेट कर दे, यहाँ पे ये रेजोनेट कर दे, और मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो ये OAlCl3 इधर है मेरे पास, OAlCl3 इधर है, OMe मेरे पास इधर है, ठीक है, OMe मेरे पास क्या है, इधर है, और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको वन दू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वन दे रहा हूँ और इसको टू दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये बताओ कि सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ है, तो इसकी बात करूँ मैं, इसकी बात करूँ तो ये क्या है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उससे स्टेबल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। तो मतलब देखा जाए तो मेरे पास जो फर्स्ट वाला है, जो मेरे पास फर्स्ट वाला है वो क्या है, मतलब बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाला है मेरे पास मोर स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, सेकेंड के कंपेरिजन में। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये वाला ज्यादा फॉर्म में रहेगा, ये वाला ज्यादा फॉर्म में रहेगा, और जो मेरे पास अब क्या रहेगा, देखो ये वाला मेरे पास ज्यादा फॉर्म में रहा, उसका रीजन हमने देख लिया यहाँ पे क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है मतलब वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे अपने पास AlCl3 माइनस था। अब देखो जो मेरे पास बेंजीन है, वो बेंजीन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम क्या है इसने है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरी में यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें हम इसको, तो ये वाला कहाँ पे डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फिर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं, पी जेड ऑर्बिटल में इसने क्या कर दिया अपने पास, यहाँ पे ये OAlCl3 था मेरे पास, यहाँ पे ये OMe था मेरे पास, OCH3 बोल दूँ मैं इसको, और मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे पास ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, और ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास ये है, तो पहले तो बोल दूँ कि ये वाला क्या करेगा, इधर रेजोनेट कर ले, या तो ये इधर रेजोनेट कर ले, और वो क्या करेगा इसको इधर यहाँ पे इसको निकाल देगा, और ये एज मतलब जो एच प्लस है, जो एच प्लस है उसको यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, और बोल दूंगा कि भाई प्रोटोनेट हुआ कैसे, देखो मेरे पास ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, उसका रीजन है कि ये एरोमेटिक फॉर्म करेगा, तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन माइनस एच प्लस निकलेगा, और जो ये माइनस एच प्लस है वो ये वाला अपसेट कर लेगा, तो मेरे पास यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है मेरी, यहाँ पे ये क्या हो रही है, एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेट हो गया, यहाँ पे ये क्या था, ये तो मेरे पास चिलेट कर रहा था ना, मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो था नहीं, तो यहाँ पे चिलेट कर रहा था, यहाँ पे इसने ऐसे मूव किया और यहाँ पे इसको निकाल दिया, तो देखा जाए मेरे पास तो यहाँ पे बेंजीन रिंग फॉर्म लग गई, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे OCH3 तो निकल ही गया ना, मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो गया यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन से मेरे पास डबल बॉन्ड है, और ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। यदि मैं इसको मैच करूं, तो यदि इसको मैच करूं तो मेरे पास किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है मेरे पास यहाँ पे बी से मैच हो रहा है, तो राइट आंसर मेरे पास क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया।
तो देखो हमें पहले पता लगाना था कि अपने पास कौन सा स्टेबल कार्बोकेट है ना, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटीज थी अपने पास कि या तो ये वाला कार्बोकेट आयन फॉर्म कर दे हम, या फिर ये वाला कार्बोकेट आयन फॉर्म कर दे। और हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा होगा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये कम स्टेबल था, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अपने पास क्या था, स्टेबल था। ठीक, हम ऐसे बात कर सकते हैं। अब ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक। तो देखो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं ये भी बोल दूं कि इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि मेरे पास देखो पहले मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं OCH3 की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट कर रहा होगा, तो ये वाला सेंटर है मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो सेंटर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो रही होगी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। यहाँ पे इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे इधर मूव ओपन होने के बाद में इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरे पास जो नेगेटिव यहाँ पे नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे CH3 भी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत पहले से ज्यादा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो उतना ओपन नहीं हो पाएगा, उतना ओपन नहीं हो पाएगा, पहले की पहली चीज तो ये बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से यदि हम बात करें कि किस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं। तो मेरे पास देखो सबसे ज्यादा तो देखा जाए तो पी हो गया, सबसे लास्ट देखा जाए तो आर हो गया। तो मेरे पास देखा जाए तो मतलब यदि ऑप्शन को देखूं मैं तो पी मेरे पास पहले इसमें है और आर इसमें है लास्ट में, आर इसमें लास्ट में, लेकिन पी को यहाँ पे क्या कर रखा है बाद में दे रखा है, तो आंसर ए, पहले से आंसर ए हो गया मेरे पास। पहले से इन दोनों को इलिमिनेट कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आर में क्या हो गया, जो OCH3 है वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं पहले आर को मतलब जो आर है वो सबसे लीस्ट, मतलब बोल सकता हूँ कि आर क्या है मेरे पास सबसे लीस्ट है, आर क्या है मेरे पास सबसे लीस्ट है। तो इन दोनों में से देखा जाए तो इन दोनों में आर सबसे लीस्ट नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को तो पहले ही कैंसिल कर दूंगा। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं इसे बोल सकता हूँ मतलब। तो देखो यहाँ पे देखो ये मेरे पास ये क्या दे रखा है, मेरे पास एसिडी कंडीशन में दे रखा है, एसिडी कंडीशन में दे रखा है। और एसिडी कंडीशन में मेरे को पता है कि मेरे पास देखो यदि मैं इसको वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, यहाँ पे मेरे पास क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और ओ एच को यहाँ पे ड्रॉ किया। मेरे को पता है कि एसिडी कंडीशन है तो मतलब मेरे पास हाइड्रोजन को निकालना नहीं है मेरे पास, तो जो यदि एक तो इसके लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे मतलब ये एक एक तो मतलब जो यहाँ पे यदि यहाँ पे देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने ये क्या कर रखा है इसको यूज में ले रखा है। तो देखो यदि एक तो इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटेक्टिंग के लिए और एक इसके करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इधर मूव करके यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्म करा है, यहाँ पे ये मूव करके यहाँ पे मूव करके यहाँ पे पहली बात तो ये कार्बन पे मूव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है, और दूसरी बात बोल रहे हैं कि अपने पास जो बेंजीन रिंग है उसकी क्या कर रहा है अपने पास ये एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है। तो मतलब बोल सकता हूँ कि जो इसके लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। और उसका रीजन ये है कि मतलब इसके अंदर तो जो कोई ये वाले ऑक्सीजन है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज करके यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं, जबकि इसमें यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी भी यूज कर रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यदि अपने पास वो देखे जाए प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखा जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ओ एच अपने पास क्या होगा, ओ एच अपने पास क्या होगा प्रोटेक्ट होगा, ओ एच क्या होगा प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, और यदि मेरे पास बेस की बात करूं, मैं बेस की बात करूं तो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट होगा। और उसका रीजन देखना हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी आने वाला है, बेस की प्रेजेंस में भी आने वाला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ एच मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म देखूं मैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है मेरे पास, यहाँ पे ओ एच है मेरे पास, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे ये डोनेट करेगा, इधर मूव करेगा, ये वापस रिटर्न होगा, यहाँ पे ओ सी एच थ्री, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को निकाल देगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये क्या है मेरे पास लिविंग ग्रुप है। क्या वो लिविंग ग्रुप क्यों है मेरे पास, लिविंग ग्रुप का भी रीजन है मेरे पास, ये क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरे पास वो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इधर रहेगा, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये इधर वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यदि ये मैच करे कि किससे मैच हो रहा है, ये अपने पास मैच हो रहा है किससे, ए से मैच हो रहा है, ए से मैच हो रहा है ना, ये अपने पास ए से मैच हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही हमें देखना है कि अपने पास प्रोटेक्ट कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा।
अब ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले से यदि सोल्व कर रखा है, हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ी है हमने, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि NaMe2 है वो क्या करेगा, पहले देखो MeI की प्रेजेंस में अपने पास क्या होगा, एक क्वार्टनरी एमीन फॉर्म कर लेगा। तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। यहाँ पे PS3 है, यहाँ पे PS है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3 है, मेरे पास ये क्या है हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास NMe फॉर्म हो जाएगा, Me फॉर्म हो जाएगा, Me फॉर्म हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब देखो मेरे पास जो Ag2O है, Ag मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O है वो क्या करेगा, देखो मेरे पास क्या करेगा ये, यहाँ पे Ag O और H2O मतलब मिलके दोनों क्या कर लेंगे AgOH फॉर्म कर लेंगे, AgOH फॉर्म कर लेंगे, और OH माइनस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और Ag प्लस फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे पास बात आती है कि मेरे पास कौन सा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा, मतलब ये क्या होगा एलिमिनेशन होगा, मेरे को पता है यहाँ पे, ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले ही देख लिया कि एलिमिनेशन होता है इसके केस में, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप निकल गया है, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा अपने पास। अब देखो इसमें एक चीज है अपने पास कि एक तो यदि मैं इसको CH2H इसको लिखूं, और एक यहाँ पे H इसको लिखूं, यहाँ पे H इसको लिखूं, तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास सबसे मतलब थीटा की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, मतलब बोलता हूँ कि कम होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितनी कम होगी वो वहां से हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में यदि मैं थीटा की बात करूँ, इन दोनों के बीच में मैं थीटा की बात करूँ मैं, तो मेरे पास ये क्या होगा, देखो इसका एंटी बॉन्डिंग मेरे पास इधर रहा होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर रहा होगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर इसमें डोनेट करके इसको इधर मूव कर देगा, तो यहाँ पे देखा जाए थीटा मेरे पास नियरली बोल सकते हो मेरे पास 60 डिग्री होगा, कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री होगा। जबकि मैं यदि इसकी बात करूँ, और 60 नहीं तो मैं मान लूँ कि 120 भी बोल दूँ एक बार के लिए, यदि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि अपने पास थीटा कितना है, तो बोल सकता हूँ देखो वैसे देखा जाए तो 60 है, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या है अपने पास इधर है, और ये मेरे पास इन दोनों के बीच में कितना है वन, मेरे पास बोलता हूँ 120 है, तो ये मेरे पास 60 डिग्री पे यहाँ पे लाइक रहा होगा, तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में 60 डिग्री अपने पास क्या है यहाँ पे थीटा है। इस हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये जस्ट एंटी है इसके, यहाँ पे 180 डिग्री अपने पास क्या है, 180 डिग्री अपने पास क्या है थीटा है, ठीक है 180 की बात करें तो 180 डिग्री है, तो मतलब कौन सा प्रीफर करेंगे हम, ये वाला प्रीफर करेंगे 60 वाला। और हमने बोला था कि हमने थीटा लेस क्यों लेना है क्यों नहीं लेना, हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की थी तब हमने इसको आराम से डिस्कस किया था, तो मेरे पास CH3 इधर रह जाएगा, PH अपने पास इधर रह जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये सी डबल बॉन्ड CH2 इधर फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन था ही, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ये देखा जाए तो किससे मैच कर रहा है मेरे पास, ये देखा जाए तो मैच कर रहा है मेरा किससे, सी से मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया मेरे पास सी, राइट राइट आंसर हो गया। तो देखो हमें देखना था कि थीटा कहाँ से, मतलब थीटा सबसे लेस होना चाहिए और वो ही अपने पास क्या होगा अपस्ट्रेट करेगा, मतलब जो बेस होगा वो हाइड्रोजन अपस्ट्रेट करेगा एलिमिनेट कर देगा उसको। अब ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से भी अच्छा है, फिर बोल देंगे AlCl3 और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है ना, ये तो सबको आता है ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ये क्या होगा AlCl, यहाँ पे बोल सकते हैं कि AlCl3 होगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर मूव करेगा ठीक है, तो बोल देते हैं कि ये AlCl3, ये CH3 है इधर है, CH3 इधर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे वो, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ पे वो क्या बोल सकते हैं प्राइमरी अपने पास क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, और अपने पास ये देखा जाए यहाँ पे जो ट्रांसफर करने के बाद में ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हुआ, ये क्या है अपने पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो देखो मेरे पास 3 डिग्री यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, तो अब ये वाला स्टेबल है, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है मेरे पास जो CH3 इधर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, तो यहाँ पे जो CH3 है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, तो या तो देखो ऑर्थो बन जाए या पैरा बन जाए ठीक है। अब ऑर्थो में देखा जाए तो ये इतना बिग ग्रुप है कि यहाँ पे क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको आर लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ आर लिख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे अटैच होगा ठीक है आर लिखा मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल सकता हूँ कि मेरे पास स्टेरिक इंट्रेंस हो जाएगा, तो मेरे पास कहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा पेरा पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे CH3 है यहाँ पे, और बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या है ये CH3 दो CH3 इधर दे, और ये मेरे पास ये वाला CH3 इधर था, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया।
ये वाला मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और ये किससे मैच करा है, ये डी से फॉर्म, डी से मैच करा है। तो देखो हमें पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के बाद में हमें डिसाइड करना है कि पहले कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बनेगा और कौन सा स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक। अब ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने पास, अब देखो वही सेम चीज आ गई अपने पास। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, और यहाँ पे एक OH है और एक अपने पास क्या है, एसिड है। तो इन द प्रेजेंस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस अपना प्रोटेक्ट होता है कौन सा ग्रुप, एसिडिक, मतलब जो बोलते हैं सी डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है अपने पास, यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है। उसका रीजन क्या बोलते हैं कि अपने पास देखो यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देखो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये OH मेरे पास, यहाँ पे CA डबल बॉन्ड OOH है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो बेस होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जबकि मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास रिमूव नहीं होगा। ये क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। और उसका रीजन मैं बोल देता हूँ कि उसका रीजन क्या बोलूंगा मैं, कि मेरे पास जो ये वाला हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। और न्यूट्रल और नेगेटिव में मेरे पास कौन सा पहले डोनेट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, ये वाला पहले डोनेट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जो PH CH2 Br है, वो यहाँ पे अटैक होगा, ये इसको Br को निकाल देगा, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या हो गया। अब किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे सर डिलोकलाइज है। अबे भाई डिलोकलाइज है तो भी अपने पास नेगेटिव चार्ज है ना, अभी तक देखा जाए तो अभी भी नेगेटिव चार्ज है ना अपने पास, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, ठीक है। तो अपने पास ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे एसिड की तरफ काम करेगा। देखो बेस मतलब बेस की प्रेजेंस में अपने पास जो एसिड ग्रुप है वो क्या होगा, अपने पास यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखा जाए तो अपने पास कौन सा हो गया, ए राइट आंसर हो गया, ठीक। अब हम ऐसे ही मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है H+ दे रखा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते ही सबके ध्यान आ जाना चाहिए कि ये क्या है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है। क्या कौन सा है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है। और बेकमैन रीअरेंजमेंट में हमें पता ही है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे पहले बोलते हैं कि अपने पास ये क्या है, हमने ये जब नेम रिएक्शन पढ़ी है उसमें हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे ये OH+ फॉर्म कर देगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे ये क्या होगा, अपने पास सी डबल बॉन्ड OOMe हो गया, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये क्या हो गया, हमें पता है कि इसके केस में क्या होता है, एंटी वाला ग्रुप जो OH के जो एंटी ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है, तो ये इधर माइग्रेट करेगा और ये OH को यहाँ से निकाल देगा। मतलब बोल देते हैं कि इसमें क्या होगा, एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है यहाँ पे, देखो ये हमने गलत ड्रॉ कर दिया फिर से, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, ये एन था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, मेरे पास सी, ये OMe है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया ये, यहाँ पे PH लिख देते हैं, ठीक है। अब जो H2O है, वो क्या यहाँ पे डोनेट करेगा, मेरे पास यहाँ पे डोनेट करेगा और इसको ओपन कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, इसको ओपन कर देगा। तो देखो मेरे पास ये, मेरे पास PH था, यहाँ पे NH हो जाएगा, यहाँ पे NH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OMe हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे OH था, मेरे पास यहाँ पे OH था, तो एट द एंड मेरे पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा ना। देखो ये पहले अटैक किया इसने, यहाँ पे अटैक किया इसने, तो देख बोल सकते हैं कि अपने पास जैसे ही अटैक किया इसने OH फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, देखो N डबल बॉन्ड N PH है यहाँ पे, OH फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, OH फॉर्म हो गया यहाँ पे, ये अपने पास ये वाला कुछ फॉर्म हो गया, ठीक। अपने पास यहाँ पे ये PH था, ये OMe था अपने पास, ठीक है। अब देखो OH अटैक किया, ये क्या है, कीटोइनॉल फॉर्म है, ये क्या है, कीटोइनॉल फॉर्म, और कीटोइनॉल फॉर्म को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और ये देखा जाए तो किससे मैच करा है, हम यदि मैच करवाना चाहे PH की साइड NH है और यहाँ पे OMe की साइड अपने पास सी डबल बॉन्ड O है। तो अपने पास राइट आंसर देखा जाए तो अपने पास कौन सा हो गया, बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अपने पास जो लास्ट, अपने पास फिर से क्या क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फिर से वो ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन है, तो ये आप करके देखोगे, ठीक है। हम ड्रो इसको, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक, चलो ठीक है फिर भी सॉल्व करा ही देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे ये क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे मेरे पास एच है, OH आएगा मेरे पास, 18 वाला OH आएगा मेरे पास, ठीक है। और मैं बोल दूँ कि मेरे पास दूसरा वाला है वो भी मेरे पास सी डबल बॉन्ड OH है, 18 वाला OH है, यहाँ पे अटैक करा इसने, यहाँ पे इधर मूव करा, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये CO- फॉर्म हो गया,
और O18 यहाँ पे मेरे पास O18 वाला, मतलब ये O18 वाला मेरे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो O18 वाला हाइड्रोजन आएगा वो इसको रिमूव कर देगा ठीक है। तो और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा O-, O18 वाला माइनस है मेरे पास। अब ये मेरे पास इधर से जो ये हाइड्रोजन है ये इधर मूव करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा ठीक है। तो मतलब जो मेरे पास जो एल्कोहल वाला एल्कोहल फॉर्म हो रहा है मेरे पास, जो CH2OH फॉर्म हो जाएगा ना एट द एंड, देखो ये CH2OH फॉर्म हो जाएगा और ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। देखो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं ऐसे बोलेंगे सर अच्छे से ड्रॉ नहीं करते ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से ड्रॉ करें, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अपने पास ये कुछ ऐसा है ठीक है। अपने पास ये ओ नेगेटिव है, वो 18 वाला है। तो मतलब जो 18 कितना आया मेरे पास, एक ही 18 आया ना मेरे पास। तो मेरे पास जो ये वाला 18 है, तो हम यदि मैच करें किससे मैच करा है, देखो अपने पास यदि देखा जाए तो ये इससे ऐसे मैच करा अपने पास ठीक है भाई, ऐसे मैच करा, क्योंकि एल्कोहल वाले में अपने पास ओ 18 नहीं आ रहा। देखो एल्कोहल वाले में अपने पास ओ 18 नहीं आ रहा। और बात करें तो एसिड में, मतलब जो बोलते हैं कि ये क्या होता है, अपने पास ये वाला गलत है। इसका रीजन ये है कि अपने पास जो एसिड है वो सॉल्ट फॉर्म करता है, जो एसिड है वो सॉल्ट फॉर्म करता है, अपने पास जो एल्कोहल है वो सॉल्ट फॉर्म नहीं करता। यहाँ पे एल्कोहल को यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म करवा रहे हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एसिड है। तो अपने पास राइट आंसर क्या हो गया, ए राइट आंसर हो गया ठीक। ऐसे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस। तो देखो यहाँ पे फिर से हीट दे रखा है, हमें पता है कि ही इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हमें क्या करना पड़ता है, 1 2 3, 1 2 3 करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 हमने इसको इधर किया, 1 2 3 इसको इधर किया, तो 1 2 3, 1 2 3 की प्रेजेंस में अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, 1 2 3 की प्रेजेंस में अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपी होगी। और 3 3 सिग्मा ट्रॉपी में फिर से वही हमें पता है कि 3 3 के बीच में हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है, 1 1 के बीच में ब्रेक करना है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, 2 3 के बीच में अपने पास जो पाई है उसको सिग्मा में चेंज करना है ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर से इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव कर जाएगा ठीक है। तो देखो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया मेरे पास, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया, ये मिथाइल था, ये मेरे पास क्या था मिथाइल था ठीक है, ये मेरे पास मिथाइल था, ये भी मेरे पास क्या था मिथाइल था ठीक। अब देखा जाए मेरे पास, तो यहाँ पे ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, सी डबल बॉन्ड ओ एम, यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ एम मूव हो गया। और देखा जाए तो हमने शायद सही ड्रॉ किया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे ये था 1, ये 2, ये 3 था, ये 3 था, ये 2 था मेरे पास, ये 1 था ठीक। अब दे रखा है मेरे को क्या दे रखा है, कि मेरे पास कोई बी दे रखा है, कोई बी रिएजेंट है मेरे पास यहाँ पे, और उसकी प्रेजेंस में अपने पास क्या करना है, हमें बी रिएजेंट है और उसकी प्रेजेंस में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवा देते हैं, ओजोनोलिसिस करवा दें, ओजोनोलिसिस करवा देंगे हम। तो देखो अपने पास क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मिथाइल अपने पास ये मिथाइल इधर है मेरे पास, ये मिथाइल मेरे पास इधर है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम हो जाएगा ठीक। तो मेरे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो सी एच ओ यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, इन द प्रेजेंस बेस ऑफ क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, ये वाला करेगा नहीं, उसका रीजन हमें पता ही है, क्योंकि यहाँ से यदि मैं रिंग फॉर्म करूँ तो 1 2 और 3 मेंबर की, अपने पास 3 मेंबर की फॉर्म नहीं होगी। और यहाँ से यदि मैं हाइड्रोजन अपस्टेट करूँ तो यहाँ से मेरे पास 5 मेंबर की होगी, तो यहाँ पे इससे प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो ये आप कर लेना, ये हमने बात अभी पहले भी किया है, सेम क्वेश्चन है ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी हमें पूछ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये रिएजेंट दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, और यहाँ पे NH2OH दे रखा है। नोट करने वाली बात है यहाँ पे HCl दे रखा है। तो यदि किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि NH2OH के प्रेजेंस में ये बेकमेन रिअरेंजमेंट हो जाएगा, देखो ये बेकमेन रिअरेंजमेंट तो नहीं होगा, मैं यहाँ पे पहले लिख के दे दूँ कि बेकमेन रिअरेंजमेंट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि अपने पास क्या है HCl दे रखा है, और यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में ये क्या होगा, जो ये वाला हाइड्रोजन, जो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा प्रोटोनेट हो जाएगा। देखा जाए तो पहले HCl की प्रेजेंस में अपने पास जो ये रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, अपने पास यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा, OH फॉर्म कर देगा, और मेरे पास ये Mu हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है NH2OH है, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH फॉर्म कर देगा। मतलब तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पहली स्टेप है उसमें मेरे पास कुछ ऐसा वाला फॉर्म हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास NH2+ हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास OH हो जाएगा। अब मेरे पास जो HCl का जो प्रोटोनेट H निकला था, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था, तो Cl- आएगा, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा,
हाइड्रोजन को अपस्टेट किया इसने, तो देखो मेरे पास यहाँ पे फाइनल देखा जाए तो OH इधर है, यहाँ पे NH मेरा इधर है, NH यहाँ पे इधर है, NH2 इधर है मेरे पास, मिथाइल मेरा इधर है और यहाँ पे OH है। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया। मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो NH यहाँ पे एक, सॉरी हमने यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन ज्यादा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये NH था, NH+ था। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, देखो ये मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, अब मेरे पास देखो ये वाला मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब या तो मेरे पास NH OH अटैक करे या OH ये अटैक करे, क्योंकि दोनों से ही जो फॉर्म हो रही है जो रिंग, तो इससे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर हो रही है, और इससे भी मेरे पास 6 मेंबर रिंग हो रही है। तो मेरे को पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या हो, हाई होती है। इसकी वजह से ये क्या करता है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको टाइटली बाउंड रखता है, टाइटली क्या रखता है अपने पास, बाइंड रखता है। और टाइटली बाइंड रहेंगे तो ये अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इतने इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि जो NH है उसके पास मेरे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से डोनेट कर रहा होगा इधर। यहाँ पे नाइट्रोजन के एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लूजली बाउंड रहते हैं, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पे अटैक किया इसने, तो मेरे पास कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, 6 मेंबर की रिंग मेरे पास फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर ली पहले, तो मेरे पास जो वन है, मतलब वन पे मेरे पास क्या है, NH पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, NH पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, और मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये OH भी था मेरे पास, OH भी था। ठीक, और जो इसके सेकंड पे था वो मेरे पास क्या था, मिथाइल था और ये OH था। ठीक है, 6 की बात करूं, मेरे पास ये वाला 6 था, यहाँ पे मिथाइल था मेरे पास, और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया था मेरे पास, और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं था। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये OH फॉर्म कर लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन मूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और एट द एंड देखो, अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी फिर से आ गई। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये मिट नहीं रहा था अपने इतनी देर, यहाँ पे मिट गया ये। अब मेरे पास ये OH आ गया, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे इधर मूव करेगा, यहाँ पे OH को निकाल देगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रहेगा वो इधर मूव करेगा, OH को निकाल देगा। देखो OH अपने पास एज ए वाटर निकल रहा है, तो 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा अपने अपने पास। ठीक है, मेरे पास जो देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे OH है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, यहाँ मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है। ठीक, अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अभी भी क्या है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपने पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है वो मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही मैं ये हाइड्रोजन निकालूंगा, मेरा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, मेरा एरोमेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने ये हाइड्रोजन जैसे मूव किया, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे OH को निकाल देगा, यहाँ पे एज ए वाटर निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे एरोमेटिक, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे ये मिथाइल फॉर्म हो जाएगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो किसी के मन में ख्याल आए कि अपने पास यहाँ पे इसको दोनों को मिला के मैं पहले ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर दूँ, किसी के मन में आया तो होगा ये, यहाँ पे NH, यहाँ पे OH फॉर्म कर दूँ, यहाँ पे मिथाइल कर दूँ, ये वाला यहाँ पे पहले स्टेप में गलत हो जाता है। HCl दे रखा है, हमें कुछ सोचना है पहले, हमें कुछ सोचना है पहले, और उसके बाद में हमारे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक, अब ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 9 दे रखा है। तो देखो इससे इजी में क्वेश्चन नहीं बोल सकता, उसका रीजन ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, तो मेरे पास देखो ये वाला है मेरे पास इपोक्साइड है, अपसाइड दे रखा है, ये कब फॉर्म हुआ होगा, ये मतलब जब अपने पास जो ऑक्सीजन है उसके एंटी क्या रहा होगा, कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा, एंटी अपने पास क्या रहा होगा, कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा। NH2 दे रखा, तो मैं बोल देता हूँ NH2 क्या करेगा, पहले NaNO2 प्लस HCl डालेगा, फिर NH2 को निकाल देगा, तो यहाँ पे NH2 यहाँ पे डोनेट करवाना अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते कैसे हैं इसको सोल्व, हमें पता है कि क्या होता है, एक्सियल यहाँ पे ओपनिंग होती है, जब ट्राइंगल ऐसा कुछ आ जाता है तो एक्सियल अपने पास ओपनिंग होती है यहाँ पे, उसके लिए हम ट्रांजिशन स्टेट कैसे ड्रॉ कर देते हैं, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे सी यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास, ये अपने पास क्या था, सी यहाँ पे रहता था अपने पास, ये सी अपने पास यहाँ रहता था, अपने पास ये कुछ ऐसा रहता था, यहाँ पे अपने पास जो अप है, तो हमने इसको अप ड्रॉ करते थे, यहाँ पे भी इसको अप ड्रॉ किया। तो देखो यहाँ मेरे पास ये क्या है, ये किस पे, इक्विटोरियल, ये मेरे पास इक्विटोरियल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या, नहीं सॉरी, ये मेरे पास इक्विटोरियल है, ये मेरे पास एक्जियल हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये अपसाइड है, जो इसका अपसाइड है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे डाउन साइड देखा जाए तो एक्जियल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास एक्जियल हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से अटैक करवाऊँ, यहाँ से अटैक करवाऊँ मैं, तो एक्सियल अटैक होगा मेरा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे अटैक करवाया, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे ये क्या हो गया, NH2 यहाँ लग जाएगा मेरे पास, OH मेरा इधर लग जाएगा,
ठीक है, और मेरे पास ये वाला कुछ ऐसे था, मेरे पास कुछ ये ऐसे था, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरे पास देखो यहाँ पे NH2 की पोजीशन देखूँ मैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो ये वाला ग्रुप है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उससे 3 पोजीशन पे मेरे पास NH2 ग्रुप है, और वो क्या है, HGL है, और OH भी मेरे पास क्या है, HGL है। तो मतलब HGL HGL ढूंढूंगा पहले मैं, तो मेरे पास जो OH क्या है, मेरे पास HGL है, लेकिन NH2 मेरे पास इक्विटोरियल गलत हो गया। ये क्या है, मेरे पास इक्विटोरियल है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे इक्विटोरियल इक्विटोरियल ये भी गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बोल सकता हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे मूव करते हैं वैसे ही। तो आंसर हमें 10th क्वेश्चन दे रखा है, 10th क्वेश्चन में हमें MEMGBR ड्राई ईथर दे रखा है। तो देखो पहले देखा जाए, तो देखो क्या होगा मेरे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये मेरे पास क्या दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दी, यहाँ पे कुछ बेस भी देना चाहिए था पहले इनको, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, बेस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वही बात सोचने वाली है, बेस दे देगा तो फिर तो मतलब क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा, हद से ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो MEMGBR हमने देखा था, अभी क्या होगा, ये एसिडिक क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन यदि अपने पास प्रेजेंट रहा तो उसको पहले क्या कर लेता है, ये अपने पास यहाँ पे अपस्टेट कर लेता है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो, हम यहाँ पे देखो जो ये वाला हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो मेरे पास क्या है, एसिडिक प्रोटोन है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करने से बेटर है, अटैक करने से पहले बेटर है, ये क्या कर लेगा मेरे पास यहाँ पे, ये इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडेट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव है, MEMGBR पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेट करेगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट डोनेट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, यहाँ पे पहले इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीडेट करेगा, एसिडिक प्रोटोन को ऑक्सीडेट करेगा। वही बात आ गई, यदि मेरे पास वाटर की प्रेजेंस में यदि MEMGBR डालू तो यहाँ पे OH को निकाल लेगा ये, ठीक है, मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं कोई कार्बोनिल पे। तो यहाँ पे ये पहले स्टेप में ये हो गया, फिर मेरे को सेकंड स्टेप में क्या देगा, अब ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये इधर रेजोनेट करेगा, ये इधर रेजोनेट करेगा, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया O माइनस, यहाँ पे मेरे पास ये CH3 है, ये इधर आएगा, एच प्लस यहाँ पे दे रखा है मेरे को, ये इधर आएगा, यहाँ से एच प्लस वापस निकाल लेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एच प्लस निकाल लेगा मेरे पास। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट फिर से वो ही फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन का देने का मतलब क्या था कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे जो एमी है उसका अटैक करवा देते हैं, वो आंसर गलत हो जाता है, और उसका रीजन हमने देख लिया, राइट आंसर क्या हो गया, ए राइट आंसर हो गया, ठीक। तो हम ऐसे प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले किसी के मन में ये ख्याल आया होगा कि उसे BR2 या फिर BR3 अपने पास, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट की तरह हो सकता है, OH के करस्पॉन्डिंग में देखूंगा, CHO के करस्पॉन्डिंग नहीं देखूंगा। उसका रीजन ये है कि OH के करस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी पोजिशन है, 1 2 3 पोजिशन है, क्योंकि और तो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, CHO मेरे पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेरे पास क्या है, CHO के लिए मेरे पास एक ही पोजिशन है, मेरे पास एक ही पोजिशन है, तो मेरे पास डोमिनेटिंग कौन सा हो जाएगा, OH हो जाएगा। लेकिन ये गलत सोच रहे हैं हम, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये एसिड बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुइस एसिड की तरह काम करेगा ये FeBr3, यहाँ पे क्या होगा, FeBr3 क्या करेगा, लुइस एसिड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे OH के केस में क्या हो जाएगा, पहले ये अटैक करके यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, CHO यहाँ पे है, O यहाँ पे है, और ये क्या करेगा, यहाँ से OH है, यहाँ पे FeBr पे अटैक करेगा, FeBr3 पे अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करके ये क्या कर लेगा अपने पास, पहले ये ऐसा अडक्ट फॉर्म कर लेगा, ये ऐसा अडक्ट फॉर्म कर लेगा, O Fe Br3, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये मेरे पास क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है, ये मेरे पास क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया भाई, ये भी अपने पास मेटा डायरेक्टिंग हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, अब दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यदि मैं मेटा देखूँ तो ये वाला मेरे पास मेटा है, ठीक है, और यदि मैं इसके करस्पॉन्डिंग देखूं, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये मेरे पास मेटा है। तो मतलब मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो BR अटैक होगा, वो कहाँ पे होगा, मेरे पास यहाँ पे अटैक होगा, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ CHO है, यहाँ मेरे पास OH है, और मेरे पास BR यहाँ आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। देखो राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, सी राइट आंसर हो गया। यदि आप यहाँ पे ये ध्यान नहीं दोगे कि OH पहले FeBr3 के साथ अटैक फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखो आपका आंसर आएगा डी, वो राइट गलत आंसर है, ठीक है। किसी का ए भी आएगा वो भी अपने पास गलत है, यहाँ पे किसी का बी आएगा वो भी अपने पास गलत है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले FeBr3 के साथ ये क्या करेगा, अडेक्ट फॉर्म करेगा, यहाँ पे लुइस एसिड बेस रिएक्शन होगी पहले, और
और उसके बाद में अपने पास क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो कोई मतलब तो है नहीं इसका करवाने का, यहाँ पे हमने बहुत बार कर लिया इसको। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं CS3 यहाँ पे दे रखा है हमें। देखो हम क्या करते हैं इसको पहले ओपनिंग करके देख लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात बताओ यहाँ पे ये क्या है, CH2 है, C O C2H5 है। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये इधर रेजोनेट करेगा, सॉरी ये इधर नहीं, ये इधर रेजोनेट करेगा, ये इधर यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, ये वापस आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ME अपने पास MeBr दे रखा है, CH3Br दे रखा है ना, यहाँ पे ये इस पर अटैक करेगा और जो फाइंड पहली पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, C C2H5 यहाँ पे मेरे पास मिथाइल लग जाएगा, ठीक है, मेरे पास मिथाइल लग जाएगा। अब मेरे को OH H2O दे रखा है, OH क्या करेगा, मेरे को पता है कि यदि मैं बेस है ना, बेस यदि जो ये वाला लिविंग ग्रुप है उसके अलावा यदि कुछ भी लिया मैंने, ये यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा, मतलब ये इधर नेगेटिव यहाँ पे रिमूव यहाँ मूव करेगा, ये वापस आएगा, OH इसको निकाल देगा, तो मेरे पास देखो फाइनल क्या हो जाएगा, मेरे पास ये C OH है, मेरे पास ये मिथाइल है, मेरे पास C OH है और OH हो जाएगा। अब मेरे पास अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड हो गया मेरे पास, तो ये क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, माइनस CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो देखो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो ये मेरे पास सी, यहाँ पे ये CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, तो मेरे पास देखो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो इससे ईजी मैं क्वेश्चन नहीं बोल सकता कि कोई इससे ईजी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो राइट आंसर मेरा क्या हो सकता है यहाँ पे, यदि देखो मेरे को, हाँ पहले फिर वही बात, यहाँ पे मेरे को हीट नहीं दे रखी थी, देखो यहाँ पे हीट नहीं दे रखी थी, तो हीट नहीं दे रखी तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ही ये वाला ही फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यदि मेरे को हीट देता तो मैं CO2 निकाल देता, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर कौन सा हो गया, सी राइट आंसर हो गया और ये वाला मेरे पास राइट आंसर है। तो देखो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि मेरे पास हीट दे रखी है या नहीं दे रखी है, ठीक, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होगा या नहीं होगा। अब ऐसे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पे HBr है, HBr क्या करेगा मेरे पास, मेरे को पता है कि हाइड्रोजन वहां डोनेट करेगा कि जहां पे अपने पास सबसे ज्यादा स्टेबल मोर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सके, ठीक है, तो बोल देता हूँ कि मेरे पास देखो यहाँ पे या तो इस बॉन्ड में यदि डोनेट करेगा तो देखो मैं पॉसिबिलिटीज देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूँ मैं पहले, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन दे दूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर दूँ, तीसरी कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने डबल बॉन्ड ऐसे ही रखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर दूँ, इसको हाइड्रोजन दे दूँ और मेरे पास एक और मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर देता हूँ इधर, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन डोनेट कर दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर दूँ। अब देखो मेरे को पता है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल सकता हूँ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है अपने पास, ये वाले सारे अपने पास ये पहले ही कैंसिल हो गए, ठीक है, पहले ही कैंसिल हो गए। लेकिन अब मेरे पास Br है, मेरे पास क्या है Br है, अब मैं देखो मैं फिर से यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका Br है, अब Br मेरे को यहाँ पे है या तो यहाँ पे अटैक करे या फिर मेरे पास यहाँ पे अटैक करे, तो देखो यहाँ पे देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि जो Br है उसकी साइज क्या है अपने पास, लार्ज साइज है, तो जो और अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ क्या रहता है, रेजोनेंस में रहता है, ये क्या रहता है रेजोनेंस में रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टेरिक रहता है, जो Br है वो क्या करता है स्टेरिक यहाँ पे रहता है, Br मतलब जो जो CH3 ग्रुप है उनके साथ क्या स्टेरिक रहता है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बोल सकता हूँ कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये इस पॉजिटिव यहाँ पे इस पे देखा जाए तो स्टेरिक है ही नहीं, तो ये क्या करेगा Br यहाँ पे अटैक करेगा, और दूसरा बोल सकता हूँ कि ये क्या है पहले ये यहाँ पे रेजोनेट कर देगा, यहाँ पे ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अपने पास क्या बोल लेते हैं यहाँ पे ये एल्किन फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, और अपने पास पता ही है कि अपने पास कहाँ पे अटैक होगा, यदि मेरे पास होमोलूमो की बात करूँ, मैं होमोलूमो की बात करूँ तो ये एटोमिक ऑर्बिटल का यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहेगा, एटोमिक ऑर्बिटल यहाँ रहेगा और अपने पास जो सिग्मा स्टार या सॉरी पाई स्टार CC यहाँ लाई करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल एटोमिक ऑर्बिटल में पहले डोनेट करेगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज पे पहले अटैक कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br लग जाएगा, सॉरी अब एक कार्बन और आएगा अपने पास यहाँ पे, ये एक कार्बन के बाद में यहाँ पे ये मिट नहीं रहा, क्या बात है, यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि ये CH2 है यहाँ पे और फिर Br है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया मेरे पास, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, किससे मैच कर रहा है ये इससे मैच कर रहा है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे दिमाग वाली बात थी, ठीक है, पहले बात तो देखा जाए हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड से हमें अटैक करवाना है
और दूसरी बात यह है कि हमें होमोलूमो से ही जाना है। अब तक हमने होमोलूमो से सारी चीजें हमने होमोलूमो से डिस्कस की है, तो हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, डाउन लाई करता है जबकि एंटीबॉन्डिंग अप लाई करता है। ठीक है, तो हमें क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट करना है, यहाँ पे पाई स्टार सीसी में डोनेट नहीं करके क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में पीजेड में डोनेट करेगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पहले एल्किन फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे को दे रखा है फॉर द रिएक्शन ऑन इन द बिलो कंसेंट्रेशन ऑफ केसीएन इज इंक्रीज फोर टाइम, मतलब केसीएन के अपने पास इंक्रीज कर रहे हैं, केसीएन की इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या डबल हो जाएगी, अनअफेक्टेड रहेगी, इंक्रीज रहेगी, या फोर मतलब फोर टाइम इंक्रीज हो जाएगी या हाफ हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास जो ये वाला मेरे को रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, तो मैं बोल देता हूँ कि एक्वस मिथेनॉल भी दे रखा है और रिएक्टेंट में मेरे पास 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा मेरे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो मतलब बोल देता हूँ SN1 रिएक्शन होगी। और SN1 रिएक्शन होगी और मेरे पास मिथेनॉल भी दे रखा, मतलब एक्वस पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, SN1 रिएक्शन हुई वो कभी भी KCN के कंसेंट्रेशन पे, कंसेंट्रेशन ऑफ KCN डिपेंड नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अनअफेक्टेड, राइट आंसर क्या हो गया मेरे पास, अनअफेक्टेड हो गया, एक सेकंड में आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन। यदि 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करूं मेरे पास, देखो फिर से वही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये वाला कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये वाला कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे देखो पहली बात मैं बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनमें कुछ मेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक अपने पास मोर स्टेबल अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास H+HBr की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रोमीन दे रखा है, मतलब विद ब्रोमीन दे रखा है, मतलब Br2 की प्रेजेंस में हमें प्रोडक्ट पहुंच रहा है, किसकी प्रेजेंस में पूछ रहा है, Br2 के रिएक्शन करवा रहा है, यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करवा रहा है यहाँ पे Br2। तो देखो हमें पता है Br2 क्या करता है, इंसर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसर्ट होता है, और ये इंसर्ट हुआ मेरे पास, तो देखो मेरे मान लो कि मैंने इस डबल बॉन्ड में क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको Br2 को यहाँ पे इंसर्ट किया, मैंने इस डबल बॉन्ड में क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको Br2 को यहाँ पे इंसर्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब मेरे पास Br है वो यहाँ, इसके पास 3-4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ डोनेट कर दे, या यहाँ डोनेट कर दे, और यहाँ अपने पास यहाँ डोनेट कर दे। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पे देखो यदि मेरे पास KT बोले, मेरे पास यहाँ पे बोल दे मतलब थर्मोकाइनेटिकली प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही इधर मूव कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, तो इसको बोल सकता हूँ मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे PZ में डोनेट कर सकता है। यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ देखो ट्राइंगल है, यहाँ पे मोर स्टैंड रिंग है, तो यहाँ पे PZ बोल सकता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, और यहाँ की बात करूँ तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा वो अपने पास, इतना स्टेबल नहीं होगा। ठीक, अब मेरे बात आ जाती है पाई स्टार सीसी की। तो देखो क्या होता क्या है, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये क्या करेगा कि मेरे पास या तो इसमें डोनेट कर दे, या फिर मेरे पास जो थर्मोडायनेमिक की बात करूं तो मेरे पास जो ये वाला जो गैप है, जो ये वाला गैप है और जो इन दोनों के बीच में गैप है वो क्या है, तो कंपेरेबल रहता है। तो जैसे यदि मैं TF की बात करूं, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल की बात करता हूं मैं, तो क्या रहता है, देखो मेरे पास यदि मैं यहाँ पे जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे Br हो जाए मेरे पास, यहाँ पे Br हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, Br हो जाए, और मैं एक बोलता हूँ कि मेरे पास ये क्या हो जाए, यहाँ पे ये मेरे पास, यहाँ पे ये इधर Br हो जाए मेरे पास। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इधर मतलब कॉर्नर पे बोल सकता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे ये Br हो जाए यहाँ पे, और एक मेरे पास यहाँ Br हो जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। तो देखो इनमें से कौन सा राइट हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल रहती है, और हमें क्या होता है थर्मोडायनेमिक कुछ मेंशन नहीं रहता होता, तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करना रहता है, हमें थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर से ओपन करेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1,4 अपने पास क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1,2 एडिशन हो जाएगा। इसके केस में देखा जाए तो Br और Br के अपने पास थोड़ा सा क्या है, स्टेरिक भी है, थोड़ा सा क्या है, स्टेरिक भी है। ठीक है, और इसके कंपेरिजन में देखा है तो Br और Br अपने पास क्या है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से फार लाई कर रहे हैं, तो अपने पास यदि थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक हुआ तो ये क्या करेगा, देखो यदि KF की बात आए,
कैप में वो बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं है कि जो पाई स्टार सीसी में मेरे पास न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर दे, ठीक है। लेकिन मैं यदि THF की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास जो ये एनर्जी है उसको क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो मेरे को पता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के स्टेरिक था, तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1,4 होगा। तो मैं बोल देता हूँ KF की परचेज में मेरे पास 1,2 एडिशन होगा, और मेरे पास TF की कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, 1,4 होगा। इसमें क्या आता है, स्टेरिक रहता है, यहाँ पे स्टेरिक रहता है, और इसमें क्या होती है अपने पास एनर्जी पहले से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जैसे एनर्जी दी हमने, जैसे मतलब एनर्जी गैप मतलब होमोलूमो अपने पास ज्यादा रहता है, जैसे एनर्जी दी वो होमोलूमो क्रॉस कर जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास 1,4 हो जाएगा। स्टेरिक में अपने पास यहाँ पे ये 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हम ये जैसे बात कर सकते हैं। तो देखो राइट आंसर कौन सा हो गया, जिसमें BR और BR टर्मिनल पे है, तो राइट आंसर अपना क्या हो गया, D हो गया। हाँ D राइट आंसर हो गया। तो हमें देखो देखना है, पहले सेलेक्ट करना है कि अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक। तो ये अपने पास ये राइट आंसर हो गया। अब देखो ये देखा जाए, यदि देखा जाए तो ये आप लिख सकते हो कि ये दो जो दो, पहले अपने पास जो अभी पहले BR वाला क्वेश्चन आया था, और वो ये दोनों हाँ क्लेडन में 415 और मे बी आई थिंक 509 पे दे रखे हैं। ये देख लेना एक बार, यहाँ पे आगे पीछे दे रखा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से वही बात आ गई अपने पास, यहाँ पे H2O दे रखा है और बोल रहे थे यदि अपने पास यहाँ पे OC2H5 है, तो फिर से वही बात होगी कि क्या होगा यहाँ पे ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसिड में चेंज हो जाएगा। अब किसी किसी के देखो मन में क्या आता है, दिमाग में मतलब बोल रहा हूँ दिमाग में कैसे आते हैं कि यहाँ पे देखो मैं जो पॉसिबल है जो सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ, मैं लोग कैसे करते हैं, बोलते हैं कि इसको मैं H+ दे दूँ और इसको OH- दे दूँ, तो ये मेरे पास मिथेनॉल हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। कोई कोई ऐसे सोचता है, कोई कोई क्या सोचता है, जो सही सोचता है उसकी बात बता रहा हूँ मैं, कि मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से नहीं जाके मैं क्या करूंगा, वाटर जो मेरा H18O है उससे अटैक करवाऊंगा, यहाँ पे इधर मूव करवाऊंगा इसको, यहाँ पे इसको मूव करवाया मैंने pH, यहाँ पे O- हो गया मेरे पास, यहाँ पे O18H2 मतलब H यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे OC2H5 है, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा, यहाँ पे H आया, इधर आया मूव करा, यहाँ पे इधर इसको मूव करा, तो मेरे पास जो pHC(O)O18 वाला इधर है मेरे पास, H इधर है, जो मिथेनॉल पे गया मेरे पास वो क्या है OC2H5OH है। तो मतलब जिसने राइट सोचा होगा, राइट सोचा होगा उसने क्या किया, H इधर रखा OH इधर रखा होगा। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होते हैं तुम्हारे, मतलब जो डायरेक्ट मेथड यदि यूज में लेता है, कोई ट्रिक सिखाता है तुम्हें भाई H इधर तोड़ दो OH इधर तोड़ दो, गलत हो जाता है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जाना है, तो हमें पता है कि O18 यहाँ पे एसिड के पास आएगा, तो कौन सा राइट आंसर हो गया, बी राइट आंसर हो गया, ठीक। तो हमें ऐसे यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगानी है, याद रखना ये चीजें। अब इसको क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है क्या, इसको क्वेश्चन को क्या ही करवाएंगे यार, मतलब बोल देते हैं कि यहाँ पे 1,2,3 है, 1,2,3 है, हीट दे रखा है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपी हो रही है, तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 3,3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, 1,1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया, और ये यहाँ पे इधर मूव करा, ये इधर मूव करा, तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये 3 था, ये भी 3 था, और बोल दूँ मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या है 3 था, ये 2 था, ये 1 था, ठीक है 1 था मेरे पास, ये 1 है, तो 1 पे मेरे पास क्या है CH3 ग्रुप लगाया मैंने, लगा दिया यहाँ पे 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो इतने ईजी क्वेश्चन है तो उनको करवाने का मन भी नहीं करता, सही बताऊँ तो कभी कभी, तो लेकिन हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। किससे मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है अपना, किससे किससे मैच कर रहा है ये अपना, ये इससे मैच कर रहा है क्या अपने पास, क्या सी से मैच कर रहा है क्या, देखो सी से मैच कर रहा है क्या अपने पास, हाँ शायद सी से मैच कर रहा है अपने पास, तो राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे इतने फालतू क्वेश्चन है, मतलब कितना ईजी क्वेश्चन है यार। अब ऐसे 31 भी देख लेते हैं एक बार हम, 31 है उसमें हमें दे रखा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म नीड नॉट बी डिस्कस। तो देखो अब फिर से वही बात आ गई, उसके केस में जो पहला वाला था, मतलब अभी जो NH2OHHCl की बात करें, उसमें क्या था मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल एक्स्ट्रा था, मतलब वहां पे NH2OH था मेरा, तो मैंने बोला था कि मैं वहां पे बेकमेन नहीं करवा रहा था मैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखो पहले क्या हो जाएगा, मेरे पास यदि देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलूँ, तो मेरे पास
यहाँ पे ओ माइनस फॉर्म हो जाएगा एन एच, यहाँ पे देखो ये अटैक करेगा इधर, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है एन एच हो जाएगा, और यहाँ पे एच था यहाँ पे ओ एच था, ठीक है यहाँ पे मेरे पास ओ एच फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एच सी एल की प्रेजेंस में क्या होगा, एच सी एल की प्रेजेंस में पहले से प्रोटोनेट रहेगा ये, ठीक है पहले से प्रोटोनेट रहेगा। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रिमूव होके जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ओ एच, यहाँ पे ओ एच यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, एन एच मेरे पास क्या हो जाएगा एन एच फॉर्म हो जाएगा, ओ एच फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा। उसके केस में हमने क्या किया था कि जो नाइट्रोजन के लोन पे, तो वो अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल था उस पर अटैक करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, कोई अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, तो मतलब जो भी खेल होगा वो इसी मतलब इसी मॉलिक्यूल में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास जो नाइट्रोजन के लोन पे इधर पार्टिसिपेट करेंगे और इसको वाटर को निकाल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे वाटर को निकाल देंगे, तो देखो मेरे पास जो ये फाइव मेंबर की रिंग है, सॉरी ये एन, यहाँ पे ये क्या सी एच थ्री है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन ओ एच है, मेरे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी है कि मैं ओ एच को इधर लिखूँ या मैं ओ एच को इधर लिखूँ, ठीक है। अब मैं ओ एच को मैं एक से एक बार इधर लिखूंगा ये इधर जाएगा, एक बार लिखूंगा वो इधर वाला जाएगा, तो मेरे को पता है कि माइग्रेट कौन सा ग्रुप करता है, माइग्रेट मेरा ग्रुप माइग्रेट करेगा मेरे पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, मोर यदि कोई देर नहीं रखा तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा यदि अपने पास कुछ दे नहीं रखा हो, मतलब यदि अपने पास सिस एंटी नहीं दे रखा हो तो हमें मोर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला माइग्रेट करवाना है, ये वाला ग्रुप अपने पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला ग्रुप अपने पास, ये वाला जो ग्रुप है वो अपने पास क्या है मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा, तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं इसको अच्छे से लिख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको अच्छे से लिख लेंगे हम, यहाँ पे मेरे पास ये था, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन था, यहाँ ओ एच था, यहाँ पे सी एच थ्री है, ठीक है मेरे पास इधर ये माइग्रेट करेगा, ये ओ एच की तरह निकल जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास जो ये सिक्स मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास सिक्स मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, ये नाइट्रोजन यहाँ था मेरे पास, और बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन वाले मेरे पास यहाँ पे सी एच थ्री था मेरे पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, ये ओ एच यहाँ पे आएगा, ओ एच यहाँ पे आया, और फिर उसके बाद में ये कीटोनोल फॉर्म में चेंज होकर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सी एच थ्री और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, एक साइड से ये हो जाएगा और दूसरी साइड से अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और दूसरी साइड से अपने पास ये अपोजिट वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला राइट आंसर मतलब बोल सकता हूँ ये मेजर हो गया, दूसरा आप कर लेना इधर से मूव करवाना, ठीक है इसको, और बोल देता हूँ कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करोगे आप, नाइट्रोजन इधर सी एच थ्री इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है ये वाला प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, ठीक। अब यदि बी की बात करूं तो देखो बी में यदि देखा जाए तो कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, यदि आप भी सोल्व करना चाहो तो आप भी सोल्व कर सकते हो इसको, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, दो सी एच टू ग्रुप दे रखे हैं मेरे को, ये देखो आप ही करोगे है ना, ठीक है मैं नहीं करा रहा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन है यार, यहाँ पे देखो ये क्या है मेरे पास, ये सा है, देखो मैं एक दो हिंट दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, और यहाँ पे देखो पहले ये हाइड्रोजन निकाला मैंने, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा ये मिथाइल से ये ना नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये मिथाइल है, यहाँ पे ये इधर डोनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इधर इसको मूव करेगा, ठीक है मेरे पास पहले स्टेप में सी ओ, यहाँ पे ओ माइनस है, ओ एच फॉर्म कर देता हूँ मैं पहले ही, फिर मेरे पास यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल, ठीक है एट द एंड क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा, ये इसको निकाल देगा, हाइड्रोजन अपस्टेट करके इसको क्या करेगा निकाल देगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ये ऐसे निकाल दूंगा मैं, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं इसको निकाल दूंगा, सेम केस इसके साथ कर देना आप, सेम केस इसके साथ कर दोगे आप, तो इसके साथ कर दोगे तो भी अपने पास देखो इसके साथ भी कर दिया, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, तो देखो मैं फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है आप इसको आप करोगे सोल्व इसको, ये मेरे पास क्या हो गया एक दो तीन, यहाँ पे देखो यहाँ ऐसा था यहाँ पे ऐसा था, ठीक है और मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल, तो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको करके देख लेना यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, यदि ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ एक तरह से। तो देखो मेरे को पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम नीचे, यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास देखो ये कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे खेल होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। यदि किसी को यदि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो वो उस पर थोड़ा सा फोकस करे। H3O4 दे रखा है, या तो मेरे पास इस रिंग पे मेरे पास क्या हो, नाइट्रेशन हो जाए, या मेरे पास इस रिंग पे क्या हो जाए, मेरे पास नाइट्रेशन हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है HNO3+H2SO4 करके क्या देते हैं, नाइट्रेनियम आयन देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म होगा, मतलब ये मेरे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। मेरे पास ये जो ये दोनों ग्रुप दे रखे हैं, या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, या मेरे पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। ठीक है, पर मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है, देखो यहाँ पे देखा जाए मेरे को जो पता है वो भी हम बता देते हैं कि हमें हमारे पास क्या पता है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा, जो ये वाला ग्रुप है, जो ये वाला ग्रुप है मेरे पास क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम कर रहा होगा। मतलब क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा होगा। यदि किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये इधर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर ले सर, तो ये एज ए लिविंग ग्रुप ने एज ए इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप काम कर जाए, मेरे पास एज ए इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप काम कर जाए, तो भी मेरे पास अभी तक भी मिथाइल है। मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, अभी भी मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। मतलब बोल सकता हूँ इसके केस में यदि मैं देखूँ तो मेरे पास ये एक दो पोजिशन, यहाँ पे टू, मतलब टू पोजिशन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और यदि मेरे पास बोल रहे हो कि यदि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप की तरह काम करे सर, कि मतलब OC OCH3 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप की तरह काम करे, तो उसके केस में भी मैं बता देता हूँ, इसके केस में बता देता हूँ, जो ये होगा ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो इसका मेटा कौन सा हुआ, ये और ये हुआ। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सी रिंग पे हो रहा है, देखो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे C OO, यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास, ये एम ही रह गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, NO2 ग्रुप लग गया। अब किसी किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो आपने इस पे क्यों नहीं करवाया। तो देखो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल की वजह से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे इसमें जो ये वाली रिंग है उसमें मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जिस साइड मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसी से अटैक करेगा। ठीक है, उसी से मेरे पास अटैक करेगा। और एट द एंड मेरे पास क्या हाइड्रोलिसिस देर का है, मतलब क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या देर का, वाटर देर का, हीट देर का, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एसिड फॉर्म हो जाएगा अपने पास C OO, यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा, और जो इधर वाला है वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ME है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, OH फॉर्म हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान देने वाली बात है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मेरे पास, जिसके पास मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो वहीं पे अटैक करेगा, मतलब बोल सकता हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक, अपने पास ये वाले हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये 2005 तक अपने पास, ओ सॉरी अभी तक अपने पास एक और क्वेश्चन बचा है, एक और क्वेश्चन बचा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने भी सोल्व किया था इसको तो अच्छा लगा मेरे को, तो बोल सकता हूँ कि इसके लिए मेरे को मैकेनिज्म लिखनी है। तो देखो मेरे पास जो देखा जाए तो pH यहाँ पे दे रखा है, C OO दे रखा है, फिर CH2 दे रखा है मेरे पास CH3 दे रखा है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, pH C CCC OO, बेस दे रखा है मेरे पास। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें तो इनोलेट फॉर्म होता नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पहले स्टेप में देखा जाए तो O-OH यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे pH है मेरे पास, यहाँ पे C CCC है, यहाँ पे C OO है। अब ये क्या करेगा, इधर डोनेट करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, और जो अपने पास जो यहाँ पे OET फॉर्म होता है, OETOH फॉर्म हो गया ना, तो OETH फॉर्म हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन अपस्टेट कर लिया, तो जो हाइड्रोजन अपस्टेट किया तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं, यहाँ पे C OO हो गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया CH3 हो गया, इससे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए मेरा, तो बोल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे pH है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास pH है, यहाँ पे मेरे पास क्या था C OO, यहाँ पे है साइड, यहाँ पे है ना अपने पास C CC और मेरे पास C OO, मेरे पास इधर है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया था, और HOET मेरे पास यहाँ पे था, यहाँ पे इसमें यहाँ पे अटैक करेगा ये, यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया
तो मेरे पास देखो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मेरे पास सी एच थ्री हो गया, ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, एक सेकेंड में इसको ऑफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्यों मूव नहीं कर रहा भाई, तो मेरे पास यहाँ पे सी एच थ्री था, यहाँ पे मेरे पास पी एच है मेरे पास, और बोल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ पे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है मेरे पास, क्या मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है। अब देखो मेरे पास क्या होगा कि या तो देखो मेरे पास ये वाला जो यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करूँ मैं, या तो यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करूँ मैं और इसको इनोलेट कराऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दूँ मैं, यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दूँ मैं तो सी ओ माइनस है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास सी एच थ्री ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास पी एच है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है मेरे पास, और मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है। या तो मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ पे नेगेटिव लाके वापस यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इससे यहाँ पे अटैक कराऊँ, क्योंकि ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ से अटैक कराऊंगा तो 1 2 3 और 4 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, तो 4 की तो मैं बना नहीं सकता। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पे डोनेट कर सकता, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो कितने मेंबर की फॉर्म होगी, 1 2 और 4, ये था अपने पास, 4 क्या था अपने पास, ये था, तो 4 ये था, तो अपने पास कितने मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, मेरे पास 6 मेंबर की मैंने ऐसे रिंग फॉर्म कर ली, तो 1 2 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे था, ठीक, 1 और 6 के बीच में मेरे पास क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो 1 ये मेरे पास ऑक्सीजन था और जो 6 है उसमें मेरे पास कार्बन पे ओ माइनस है और ओ ई टी लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ इधर, सेकेंड पे मेरे पास पी एच लगा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास सी एच थ्री ग्रुप है, और जो थर्ड है मतलब ये सेकेंड है, ये थर्ड है मेरे पास, और ये वाला फोर्थ है, फोर्थ पे मेरे पास पी एच लगा, और 4 और 5 के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या होगा, ये इधर मूव करेगा मेरे पास, और यहाँ पे ओ ई टी मतलब ये यहाँ पे बोलते हो इथेनॉल, ए ई टी ओ एच निकलेगा, ए जे इथेनॉल निकल जाएगा यहाँ पे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास पी एच है, और वो ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात थी क्या नहीं थी मैं बता देता हूँ, कि इसमें अटैक यहाँ होगा, पहली बात तो यहाँ नहीं होगा, उसका रीजन बोल देता हूँ मैं, कि मेरे पास जो यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसका जो पाई स्टार है वो क्या होता है, लो लाइंग एनर्जी पे होता है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड ओ ई टी वाले, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक यहाँ पे होगा, कॉन्जुगेट एडिशन होगा, मतलब बोल सकता हूँ 1,4-एडिशन की तरह हम बोलते थे माइकल एक्सेप्टर, सेम वैसे ही ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक, पहले यहाँ पे अटैक होगा। दूसरे केस पे बोल देता हूँ मैं कि जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, कौन से वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो कार्बन है वो अटैक नहीं करके मेरे पास ऑक्सीजन अटैक करेगा, उसका रीजन हमने देख लिया कि रिंग की वजह से, रिंग ज्यादा स्टेबल कौन सी है, 4 या 6, 6 अपने पास ज्यादा होती है किसके कंपेरिजन में, 4 के कंपेरिजन में, तो ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपने 2018 से लेके 2005 तक हमने सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व कर लिए, आईटी जेम के जो रिएक्शन मैकेनिज्म और पेरिसाइक्लिक पे थे, और कुछ कुछ हमने क्या है जो रिएजेंट और जो नेम रिएक्शन है उनके भी सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कोई नेम रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।